Good afternoon, everyone. On behalf of Jeevan Jyot Trust and J.J. Shah Arts and H.P. Desai Commerce College, Amroli, we warmly welcome you in the 10th webinar series. It's a webinar series, and we are very happy to have this much of participant again in 10th webinar series, because we are in this situation. The college is going to arrange webinar series, and today's topic is this is my aim, means अपने जीवन का ध्येय क्या है ये बताने के लिए today we have with us a pronounced speaker जैन आचार्य पद्म भूषण आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी मराठ साहेब. मराठ साहेब विल जॉइन अस एट 3:45 AM. अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट. अगेन ट्रस्ट परिवार एंड अमरोली कॉलेज परिवार रियली अप्रिसिएट द ऑल एफर्ट्स डन बाय पार्टिसिपेंट, बिकॉज टुडे आल्सो वी आर हैविंग नियर बाय 3500 पार्टिसिपेंट फॉर दिस वेबिनार. सो नाउ आई रिक्वेस्ट द कॉलेज टीम टू प्रेजेंट अवर कॉलेज सॉन्ग. दूर सुधी फैलायु जेना शिक्षण नु छे तेज, दूर सुधी फैलायु जेना शिक्षण नु छे तेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज. तापी तट पर उभू छे आ शिक्षण नु उपवन, एक बार आवो तो महके आखू आजीवन. जीवन आनंद थी अहिया कोई नथी परहेज, जीवन आनंद थी अहिया कोई नथी परहेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज, अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज. तरफ कुरुक्षेत्र ने कर्ण भूमि एक बाजू, बन्ने वच्चे ज्ञान नु फूल खिले छे ताजू. एक तरफ कुरुक्षेत्र ने कर्ण भूमि एक बाजू, बन्ने
बच्चे ज्ञान नु फूल खिले छे ताजो सौने हये स्थान छे नु हमेशा रहशे ज सौने हये स्थान छे नु हमेशा रहशे ज अमार स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज अमार स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज कड़ाश अजवास छलकता वर्ग अही छे शिक्षण ने संस्कार भरियो एक स्वर्ग अही छे शिस्त अने समझणनी जोड़ी अही वर्षो थी छे ज शिस्त अने समझणनी जोड़ी अही वर्षो थी छे ज अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज दूर सुधी फैलायू जेना शिक्षण नु छे तेज दूर सुधी फैलायू जेना शिक्षण नु छे तेज अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज अमारु स्वाभिमान अमारी अमरोली कॉलेज अमरोली कॉलेज अमरोली कॉलेज यू कॉलेज टीम again we are having eminent participant also we have our president Sri Bharat Bhai Sahasar president of Chaido Trust and as well as Jeevan Jyot Trust with us we welcome you sir as well as Jain Alert Group is also joined it so we are welcoming you sir now I will request our principal Dr. Kishore CN Chavda sir to give welcome speech and blessings to this program सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम जीवन ज्योत ट्रस्ट अमरोली के और संचालित हुए जे जड़ सा आर्ट्स एंड एचपी देसाई कॉमर्स कॉलेज अमरोली द्वारा आयोजित ये 10वें वेबिनार में आप सभी पार्टिसिपेशन का स्वागत है दिस इज माय एम सब्जेक्ट पे गुरुदेव ने आज हमें जो समय दिया है उसके लिए ट्रस्ट और कॉलेज परिवार उनका सदा ऋणी रहेगा हम हमारे कोई भी कार्यक्रम में कई सालों से फूल का हम उपयोग नहीं करते बजाय उनके हम महाराज साहब का लिखित पुस्तक करीबन पूरे साल में 3000 से ज्यादा छोटे से छोटे एप्रिसिएशन हो चाहे कोई भी प्रसंग हो चाहे कितने भी बड़े गेस्ट आते हैं उन सबको लिए हम सिर्फ पुस्तक ही करते हैं पुनः आप सभी मित्रों और आवकार और धन्यवाद और हमारे प्रेसिडेंट आदरणीय भरत भाई साहब ने जो हमें ये मौका दिया और हमारे गुरुदेव ने जो मौका दिया और हमारी टीम ने ये सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबका शुक्रिया थैंक यू चावड़ा सर ये जानकर बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ एक बहुत बड़े जैनाचार्य जिनकी वाणी सुनकर या जिनकी वाणी सुनने बहुत सारी भीड़ कभी भी उमड़ पड़ती है जिनके पुस्तक ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी है ऐसे एक प्रवचनकार ऐसे एक महाराज साहब आज हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं उनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ परम पूज्य जैनाचार्य विजय रत्न सुंदरसुरी महाराज साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन द नेम इट्सेल्फ इज एम्बेडेड वर्ल्ड विक्ट्री डायमंड एंड ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ग्रेसफुलनेस ऑफ अ ग्रेट जैन सेंट इन इंडिया And although he doesn't travel abroad, his ideas and followers have no geographical boundaries. Having entered in 54th year of Sanyam Jeevan, Acharya Maharaj is announced with rarest blessing of Goddess Saraswati. And to his credit, he has written 350 books in his mother tongue, Gujarati. Which has touched all the section of the society and inspired the society and helped the youth to build a strong foundation in the life by giving them the strength to learn from their failures and celebrate their success in their life. He has been conferred with Padma Bhushan by Honorable President
ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी एंड हिज अवार्ड एंड दिस अवार्ड वॉज हैंडेड ओवर बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री विजय भाई रूपाणी सर इन 2017. महाराज साहेब हैज ऑल्सो बीन अवॉर्डेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स. मैनी ऑफ द बुक्स have been translated in various language such as Hindi, English, Marathi, Sindhi, Urdu, French, etc. Some of his books have also been translated in Braille Lipi so that even blind people can gain access to his words of wisdom, and his words are being heard nationally and internationally and have benefited in their lives through his disclosure. Now, I request to give another introduction गुरुदेव के बारे में और थोड़ी जानकारी देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे ही मित्र वैराग संघवी को कि गुरुदेव के बारे में थोड़ा प्रकाश फैलाए. और वैराग संघवी जी, पद्म भूषण परम पूज्य जैनाचार्य रत्न सुंदर सूर्य जी महाराज साहेब ने कोई परिचय की जरूर नहीं, तेमना नाम में समायल शब्दों पोते घणु बधु कही दे छे. तेमना नाम में समायल विजय रत्न शब्द ज तेमनी ओळखाण आपे छे. देपलानी ए दिव्य भूमि जेमणे आवु जण्यु शासन रत्न, महापुरुष ने जन्म आपनार ए देवी भूमि ने अमारा अंतरथी वंदन. धन्य छे एमनी माता ने चंपाबेन, धन्य छे तेमना पिता दलीचंद भाई ने के जेमणे आवु रत्न जीन शासन तथा समग्र समाज ने अनमोल भेट आप्यु. धन्य छे गुरुदेव आपनी गुरु प्रत्येनी श्रद्धा ने, धन्य छे गुरुदेव आपनी प्रभु प्रत्येनी श्रद्धा ने, धन्य छे गुरुदेव आपना साधर्मिक प्रत्येना वात्सल्य ने. माटे ज कहेवानु मन थाय के आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पाखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं. मंदिर के शिखर पर बैठकर पंखी ने यही गीत गाया है कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं. गुरुदेव ने सरस्वती माता की असीम कृपा पण प्राप्त छे. અને સંયમ જીવનના 54 વર્ષમાં તેમણે 350 થી પણ વધારે એટલે કે 350 થી પણ વધારે પુસ્તકો લખેલ છે, અને આ પુસ્તકોએ સમાજના બધા જ પ્રશ્નો અને બાબતોને સાંકળી લીધી છે, જે સમાજને યુવાનોને મુશ્કેલીના સંજોગોમાંથી બહાર આવવાનો હકારાત્મક માર્ગ સૂચવે છે. ભારતના મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા તેમને પદ્મભૂષણ એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, અને ગુજરાતના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી સાહેબ દ્વારા આ એવોર્ડ તેમને એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. ગુરુદેવ શ્રીને ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ એનાયત કરવામાં આવેલ છે. તેમના દ્વારા લખેલ પુસ્તકોનું અંગ્રેજી, હિન્દી, મરાઠી, સિંધી, ઉર્દુ, ફ્રેન્ચ ભાષામાં તેમજ ઘણી પુસ્તકોનું તો પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ માટે બ્રેઇન લિપિમાં પણ અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે. તેમના પ્રવચનો પણ અરિયન ટીવી, પારસ ટીવી તથા સોહમ ટીવીના માધ્યમથી રાષ્ટ્રીય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રચાર ધરાવે છે. એક જૈન સંત તરીકે તેઓનું જીવન ચુસ્ત નીતિ નિયમોથી ભરેલું છે. તેઓ માત્ર એક સારા લેખક કે વક્તા જ નથી, પરંતુ એક સાચા પ્રેરણાદાયી છે, જે શિસ્ત અને સમર્પણ ભાવ દ્વારા સમાજને સશક્ત બનાવવાનો માર્ગ સૂચવે છે. બસ અહીં હું સાહેબજીનો પરિચય પૂરો કરું છું. મેહુલભાઈને વિનંતી કરીશ આગળનો કાર્યક્રમ માટે. થેન્ક યુ વૈરાગ સંઘવી સર for the nice introduction of Padma Bhushan Acharya Vijay Ratna Sundar Suri Maharaj Sahib. Again, requesting to all participants, if you are having any question during the session, kindly go through chat box and put it your question in chat box. Aaj bade anand aur gaurav ki baat hai ki hamare saath Padma Bhushan Jainacharya Vijay Ratna Sundar Suri Maharaj Sahib jud chuke hain, aur पूरे जीवन जो ट्रस्ट परिवार और जे जेड सा आर्ट्स एंड एचपी देसाई कॉमर्स कॉलेज परिवार की ओर से गुरुदेव आपका कोटि कोटि वंदन करते हैं हम सब लोग. जितने भी पार्टिसिपेंट है गुरुदेव, आज हमारे साथ नियर बाय 3500 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, 3500 पार्टिसिपेंट. तो इसके लिए ये पार्टिसिपेंट का ही प्रेम है, उनका ही मतलब इतना संस्था कॉलेज के साथ इतना प्रेम है, जिससे हमें एक के बाद एक वेबिनार करने की मोटिवेशन उनके पास से ही मिलते जाती है, बिकॉज ये वीक में ये हमारा तीसरा वेबिनार हो चुका है. सो ऐसे ही पार्टिसिपेंट का सपोर्ट हमें मिलता जाएगा तो हम ऐसे ही आपके साथ वेबिनार भी करते जाएंगे. सो अगेन वी आर थैंकफुल टू ऑल दी पार्टिसिपेंट. गुरुदेव आज के प्रवचन के बाद जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड है, सभी को गुरुदेव द्वारा लिखित
बुक का नाम है यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। ये बुक सभी को ईमेल आईडी पर मिल जाएगी रजिस्टर। ये गुरुदेव के आशीर्वाद है, प्रवचन के बाद आशीर्वाद स्वरूप गुरुदेव के पास से उनके उनके हस्त द्वारा लिखित यस आई कैन ये बुक हर एक पार्टिसिपेंट को ईमेल के ऊपर मिल जाएगी। सो सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में जाइए। अभी मैं गुरुदेव जी से विनंती करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये सभी मतलब ये राह देख रहे हैं कि कब गुरुदेव उनको प्रवचन या उनकी वाणी से हमें प्रभावित कर दे, हमें लोल हमें मतलब प्रभावित कर दे। सो आगे की कार्यवाही के लिए मैं गुरुदेव को विनंती करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव को, कोटि कोटि वंदन। नमो हरियंद्रणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये संबदाणम, केशव गंजन मुकार सब पाप प्रणाशन मंगलानंदे सिंह पद्मं अवै मंगलम। नमो दुर्बल रागनि वैरि वार निवारिने अरते योगिनाथाय महावीराय ताइने जय जय जगदीव जोनी ज्ञान जग गुरु जगना जग बंधु जय जग प्रिया महो भैव जय सुणम भगवो चितरण पश्चिमो जय जय गुरु लोगाण जय महाप्पा महावीरो ओम कारम बिंदु संयुक्तम नित्यं जायते योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो धीय पौमावै पमुवनिसेमियकाय ओं क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेऊसिरिपास जगन्नाथो। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। करीबन 30 साल का लड़का जिनकी में संगीत का बहुत प्रोग्राम अटेंड किया था, उनके मन में भी ये भाव आया कि मैं भी संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। पर्याप्त रियाज करने के बाद एक दिन उसने संगीत का प्रोग्राम डिक्लेयर किया था, पब्लिसिटी पर्याप्त थी, करीबन 2-3 लोग थे। रात को 9 बजे संगीत का प्रोग्राम शुरू हुआ, अपना पहला ही गीत उसने शुरू किया, शायद 10 मिनट उनका गीत चला और ऑडियंस से आवाज आई वंस मोर। उनको आनंद आ गया, पहले ही प्रोग्राम में इतना प्रोत्साहन मिला उसको लगा कि मेरा गला जम चुका है और दोबारा उसने वही गीत गाया। 10 मिनट फिर जाने के बाद दूसरे कोने से वंस मोर की और आवाज आई और खुश हो गया। एक ही गीत 4-5 बार गाने के बाद वंस मोर की आवाज जब रुकी नहीं, उसको लगा ऑडियंस के सामने मुझे कोई क्लेरिफिकेशन करना चाहिए, और तब उसने बता दिया आप मेरे एक ही गीत पर इतने प्रसन्न हो और भी तो मैं 4-5 गीत तैयार करके आया हूं, आप मुझे मौका दो तो मैं दूसरा गीत शुरू करूं। ऑडियंस ने कहा कि किसने बोला कि आपका पहला गीत बहुत पसंद आया है, वो हैरान था। यदि गीत ही पसंद नहीं आया होता 4-5 बार वंस मोर की आवाज कैसे निकलती। तब उसने क्लेरिफिकेशन मांगा, यदि मेरा पहला ही गीत आपको पसंद नहीं है तो फिर वंस मोर की आवाज बार बार आप क्यों लगाते हो,
और भीड़ से आवाज आई, जब तक एक गीत बराबर नहीं गाएगा तब तक हम वंश मुर्गी बूम लगाते ही रहेंगे। कभी कभी मन में यह प्रश्न उठता है, कितना जीवन हमारा चलेगा? सिर्फ एक जीवन, एक लाइफ हमारे पास पर्याप्त है सेटिस्फेक्शन के लिए, मगर सब कुछ होने के खोखले हैं। दुनिया की दृष्टि में ओपिनियन तो बहुत अच्छा मिलता है, 3 गाड़ी 4 बंगले करोड़ का टर्नओवर, समाज के बीच में गुडविल, मगर एक्सपीरियंस यदि बोले तो कहीं लगता है कि अंदर हम खाली है, खोखले है। रीजन क्या हो सकता है? अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। कहीं हम मोरल में टूटे हैं, कहीं हम कल्चर में टूटे, कहीं स्पिरिचुअल में टूटे, कहीं प्राइवेट लाइफ की जिम्मेदारी नहीं है, कहीं सोशल लाइफ की जिम्मेदारी नहीं है, कहीं फैमिली लाइफ की जिम्मेदारी नहीं है। अलग अलग एक ही प्रवचन में कितनी बात करना समझ में नहीं आती, फिर भी 4-5 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी इस जीवन को संभाला है अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज ने। He was the DCOM IMC London first class first। और आपके चरण में चारित्र जीवन अंगीकार करके आपने इस जीवन को बनाया, बचाया और बहुत आगे बढ़ाया। ऐसे तो नहीं बढ़ सकता है, आई एम ओनली मैट्रिक पास, मैं कभी कॉलेज देखी नहीं है, मगर एक आध्यात्मिक जगत का मैथमेटिक्स शायद हमारी श्रद्धा का सब्जेक्ट न हो या हो, आप बिलीव करो या ना करो, मगर निश्चित तौर से आपको मानना पड़ेगा, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल, इफ यू कांट सी इनविजिबल यू कांट डू इम्पॉसिबल। तो आज एक थोड़ी बात करना चाहता हूं, खास तौर पे यंग जनरेशन को, आज के माहौल को लेकर के, एडवांस टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, उन सब ने जो एक माहौल बना दिया, उस माहौल के बीच में समझ नहीं पाते वेयर फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट अवर लाइफ, मेरा एम क्या हो सकता है। अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग एम हो सकते हैं। दावा के साथ तो मैं नहीं कहना चाहता हूं कि मेरा एम आपका एम बने, मगर एक एम, फूड के बाबत में डिफरेंस ओपिनियन चलता है, वाटर की बाबत में भी आप बोल सकते अलग अलग ओपिनियन चलता है, मगर ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम ये नहीं बोलते मुझे सौराष्ट्र का ऑक्सीजन चाहिए, गुजरात का नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो आज मैं यूनिवर्सल एम की बात करना चाहता हूं, चाहे छोटा लड़का हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे लड़की हो, चाहे माता हो, चाहे सज्जन हो, चाहे संत हो, सबको ये 4। नंबर 1, मेरा एक पहले नंबर का एम है टॉलरेटिंग। ना मालूम हमने पीड़ा को नेगेटिव के साथ ही जोड़ा है, जिंदगी के एक क्षेत्र में भी डोंट विश की पेन आ जाए। पूरा सोशल मीडिया, पूरी सामाजिक व्यवस्था, आप पेपर में डिक्लेरेशन भी देखो, एड देखो, तो आपको एक लगेगा बस जीवन में पीड़ा एक अभिशाप बनकर के आती है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, आज मुझे जो लोग भी 3500 लोग जो सुन रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप कुछ भी बोलो, आप यदि ये स्पिरिचुअल क्षेत्र में आप आगे हो, पर आप चाहते हो आई लव गॉड, आप चाहते हो आई लव गुरु, आप चाहते हो आई लव माई पेरेंट्स, आप चाहते हो आई लव माई वाइफ, कोई लड़का हो वो सब बोल सकता है आई लव माई गर्लफ्रेंड, कोई लड़की बोल सकती है आई लव माई बॉयफ्रेंड, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है, आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ लाना पड़ेगा, आई लव पेन टॉलरेटिंग। आपको पीड़ा को सहन करने की यदि आपकी मैं ये पूछना चाहूंगा, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, एक क्षेत्र मुझे ऐसा देखा होगी जहां बिना पीड़ा पूरा स्कर मिला, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे मेरे प्रवचन का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो,
चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे क्रिकेट का क्षेत्र हो, आप एक भी क्षेत्र ऐसा दिखाओ कि जहां बिना पेन आपको पुरस्कार मिला है। न मालूम आज की जनरेशन खास तौर पे वो पीड़ा की दुश्मन बनती जा रही है। सही दुख तो वो होता है, करीबन 10 साल पहले मैं दिल्ली गया था, सोनिया गांधी को मिला था और आपने मुझे ये कहा था महाराज साहब एजुकेशन इज द प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एजुकेशन में है। शायद मुझे सुनने वाले भी ये मांगते होंगे, मगर मैं ये कहना चाहूंगा सोनिया गांधी को भी मैंने ये कहा कि मैडम यदि आप यही मांगते हो तो मैं पूछना चाहता हूँ, केरल 100% एजुकेटेड स्टेट है, वहां हर 24 घंटे में एक लड़का सुसाइड कर रहा है, व्हाई? यदि एजुकेशन वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो एजुकेटेड पब्लिक सुसाइड क्यों करती है? बस एक ही कारण, आपके पास टॉलरेटिंग पावर नहीं है, सहन करने की ताकत। चाहे आप मुझे बताओ 53 साल हुए मुझे साधु बनने के लिए और आज भी हमारे मुनि भगवान कई लड़के लड़की साधु बनने के लिए तैयार होते, हम उनका दूसरा कोई चेक करे या न करे सबसे पहले चेक करते पीड़ा से प्यार करने की उनकी तैयारी है क्या। नंगे पैर हम चलते हैं, बिना स्नान हमारा पूरा जीवन चलता है, ठंडी गर्मी की शिकायत करने का हमें कोई राइट नहीं है। चाहे मैं कितना पवित्र पुरुष हूं मगर पीड़ा को झेलने की मेरी तैयारी नहीं है, ये जीवन 100% मुझे नहीं मिलता है। दिस इज माई एम, जीवन किसी भी क्षेत्र का चले, इफ आई वुड लाइक टू बी सक्सेस, यदि मैं सफल बनना चाहता हूं, मैं अच्छा मुनि बनना चाहता हूं, मैं अच्छा सज्जन बनना चाहता हूं, सोसाइटी में पीड़ा को सहन किए बिना मेरे पास कोई चारा नहीं। एक बात बताना चाहता हूं, थोड़े साल के पहले सौराष्ट्र के नगर में एक लड़के ने बोर्ड की एग्जाम दे रखी, एग्जाम का रिजल्ट आने के 2 दिन बचे थे और लड़के के मन में उनके फ्रेंड सर्कल ने शायद मजाक से ये बात घुसा दी, तो पास नहीं होने वाला है। लड़का ऐसे टॉपर था मगर लड़के के मन में ये भाव आया यदि मैं फेल हो गया तो इफ आई शैल बी फेल, और वो बहुत आगे चला। पिताजी को क्या जवाब दूंगा, माता को क्या जवाब दूंगा, मित्र के बीच में मेरी गुडविल क्या बनेगी, मेरी करियर का क्या होगा? यदि ये लड़का टॉलरेंट इन पावर लेकर के बैठा होता ये स्थिति उनके पास नहीं आती। लड़का आगे चला, करोड़पति बाप का एक लौता बेटा था, ही वॉज द रियली टॉपर, मगर अपने को रात को कमरे में बंद कर दिया और किसी को पता नहीं चला और लड़के ने गले पे रस्सी डाल करके सुसाइड कर दिया। पूरे गांव में सब माहौल स्तब्ध हो गए कि लड़के ने किया क्या, और सबसे बड़ी बात दुख की बात तो वो थी इनकी श्मशान यात्रा निकली, पूरी सिटी श्मशान यात्रा में उमड़ी थी, करीबन 5,000 की संख्या उनके साथ थी और श्मशान यात्रा में जब रिपीट आए वापिस आए तब घर पे आते आते इस लड़के की बोर्ड की एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था और ही वॉज 93% में पास होने वाला लड़का, आप समझ सकते हो वो यदि सुसाइड करके बैठा क्या रीजन क्या था। ये तो ठीक था वो लड़का पास हो चुका था मगर फेल हुआ तो भी क्या, एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ नॉट होल लाइफ। एक किताब का एक पेज यदि बिगड़ गया हम किताब की इस पेज को फाड़ करके बाजू में रख देंगे, किताब को थोड़ी जला देंगे। मान लिया कि एजुकेशन में लड़का फेल हो चुका था, ये तो हुआ 93%, मगर शायद फेल भी हो जाता तो जिंदगी समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर लड़के पास
टॉलरेटिंग पावर नहीं था, सहन करने की क्षमता नहीं थी। मुझे सुनने वाले आज मुझे वो दिख नहीं रहे, मगर आप सबके चेहरे को यहां से पूछना चाहता हूं, देख करके बिना देखे आप सच बताओ, आपके पास पीड़ा झेलने की तैयारी है? ये लो पेन, आपके पिताजी, आपकी माँ, आपका भाई, आपकी भाभी, आपका प्रोफेसर, आपका टीचर, अरे आपके गुरु भगवान, यदि आपको किसी कोई चीज के लिए डांटे, आपको विद हैप्पीनेस सुनने की सहन करने के बाद ये तैयारी नहीं है, तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा आपका ग्रोथ जिस ढंग से होना चाहिए होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। चाहे किसी भी क्षेत्र में तुम चले जाओ, आपको पेन से प्यार करना ही पड़ेगा। वो मीरा का स्कोटेशन, जो मैं ऐसा जानती प्रेम कीजिए दुख होए, जगत ढंडेरा पीटती प्रेम न कीजिए कोई। यदि मुझे पता होता प्रेम करने से पीड़ा होती है, मैं प्रेम की बात नहीं करना चाहता हूं, बिना पीड़ा प्रेम भी नहीं है, बिना पीड़ा पुण्य भी नहीं है, बिना पीड़ा पुरस्कार भी नहीं है। पुण्य, पीड़ा, प्रेम, पुरस्कार, प्रसिद्धि, प्रशंसा, सब कुछ किसी एक ही चीज के साथ जुड़े हैं, वो है पेन, टॉलरेटिंग पावर। मेरा एम क्या है? एक लड़के ने बहुत अच्छी बात बताई थी, परमा का भक्त था और वो लड़के पर बहुत दुख आए, और दुख आने के बाद ये तो कथा है, भगवान खुद पर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद भगवान उनको पूछा, दोस्त तेरे कंधे पे बोझ बहुत है, लगता है कि तू झुक गया है, तू मेरा भक्त है, मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, मैं तुझे पूछना चाहता हूं, मेरे से तू क्या चाहता है, तेरा बोझ कम करो, मेरा बोझ कम करने की बात मत करो, मेरा कंधा मजबूत बना दो। बोझ कम करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर कंधा मजबूत बना दो, ताकि ये बोझ मुझे बोझ रूप लगे नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं, जिसके पास टॉलरेटिंग पावर होता है, उनके पास बोझ कम करने की दिन तानी होती है, कंधे को मजबूत करने की एक खुमारी होती है। देयरफॉर आई विश आप सब, ये लॉकडाउन में क्या हुआ, ये कोरोना के माहौल में शिकायत क्यों है? शायद इतने दिन आपने परिवार के साथ जिंदगी में कभी नहीं निकाले होंगे, वो परिवार के साथ ये दिन निकालने का आपका एक परम सद्भाग्य मिल गया, मगर टॉलरेटिंग पावर नहीं है। बार वाले के साथ तुमने पंगा ले लिया तो ठीक है, मगर घर वाले के साथ वही पत्नी, वही पिताजी, वही माँ, वही बेटा, पूरी दिन भर तक आपके फैमिली मेंबर आपके साथ है, मगर आपको आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोरोना की महामारी, लॉकडाउन, ये सोशल डिस्टेंस, ये सब कुछ एक पीड़ा की बात थी, वो पीड़ा स्वीकार करने की, पीड़ा का सत्कार करने की, सम्मान करने की आपकी कोई तैयारी नहीं थी। दो ही पत्थरबाजी में पड़े थे, और एक पत्थर को लेने के लिए 1,00,000 लोग आए थे, वो पत्थर प्रतिमा में कन्वर्ट हो चुका था। तो बाजू वाले पत्थर ने वो प्रतिमा को पूछा, दोस्त एक बात बता पाएगा, हम दोनों एक साथ तो यहां आए थे खदान से, आज मैं यहां ही बैठा हूं और तुझे लेने के लिए 1,00,000 लोग आए हैं, बात क्या है? तब वो प्रतिमा में कन्वर्ट होने वाले पत्थर ने सिर्फ वो पत्थर को इतना ही कहा कि वो दिन याद कर, शिल्पी आया था तेरे पास और मेरे पास, हाथ में हथौड़ी थी, एक हाथ में हथौड़ी थी और दूसरे हाथ में छेनी थी, और प्रहार करने का प्रयास उसने किया, एक प्रहार, दो प्रहार, तीन प्रहार, तेरी आंख में आंसू चले, मान लिया तेरे शरीर पे पीड़ा होती होगी, और तूने उस शिल्पी का हाथ पकड़ लिया, बोल दिया क्या ये रुक जाओ, आगे मेरे पर प्रहार करने की गलती मत करना, और शिल्पी रुक गया, और मेरे पर भी पीड़ा तो होती थी, मगर शिल्पी ने मैंने छुट रखी, आपकी जो भी ताकत है
उतने प्रहार मेरे पर करते चलो, और यही रिजल्ट आके बैठा। प्रहार सर करने की ताकत से आज प्रतिमा में कन्वर्ट होकर के किसी मंदिर में विराजमान होने के लिए मैं जा रहा हूं, और तूने पीड़ा को झेलने की ना बोल दी, इसलिए तू जहां था वहीं बैठा है। तो आज मेरे सामने जो भी सुन रहे मुझे, उनको मैं निश्चित तौर से कहना चाहूंगा, प्लीज आप किसी भी क्षेत्र में पुरस्कार चाहते हो, पीड़ा को हाँ बोलो, और कम से कम और पीड़ा की बात तो मैं नहीं करूंगा, मगर आप जिस परिवार से हो, बहुत नीचे उतर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिस परिवार से हो वो परिवार से आपको किसी भी गलत क्षेत्र में जाने से कोई रोकने वाला मिल जाए, अच्छे क्षेत्र में जाने के लिए आपको प्रेरणा करे, और यदि आपको कठोर शब्द में आपके पिताजी माँ भाई भाभी कोई भी सुना दे, कम से कम शब्दों की सुनने की तैयारी रखो। दिस द फर्स्ट स्टेप, माई एम इज दिस, टॉलरेटिंग पावर मुझे चाहिए। यदि आपके पास ये पावर आ गया तो सेकंड नंबर का पावर है हेल्पिंग पावर। आज देखो कोरोना की महामारी तो पूरी दुनिया में फैली है, मगर इस हिंदुस्तान का कल्चर, चाहे गुजरात चाहे महाराष्ट्र चाहे कर्नाटक चाहे एमपी चाहे राजस्थान, आपने देखा होगा दिक्कत बहुत है, टेंशन भी बहुत है, हजारों की संख्या में पर प्रांतीय मजदूर लोग रास्ते पे जा रहे हैं, मगर उनको हेल्प करने वाले कोई कम नहीं है। न उनको प्रसिद्धि चाहिए, न उनको प्रतिष्ठा चाहिए, न उनको मीडिया में उनका नाम आ जाए वो चाहिए, बस देते रहते। अरे भाई वो घर पे नहीं आते, पर प्रांतीय मजदूर रास्ते पे चलते हैं। एमपी से 10 दिन के पहले एक लड़का का मेरे पे फोन आया था, और उसने बता दिया हमारा साहब आज के दिन ओनली इन द वन डे करीबन 10,000 मजदूर को 100-100 रुपया मैंने बांट दिया। यू कैन बिलीव इट, एक लड़का, किसी ने फोर्स तो नहीं किया था, मगर किसी का दुख देखा और उसको लगा आई कैन हेल्प, इतनी हेल्प तो मैं कर सकता हूँ। एक दिन का 10,000 मजदूर को 100-100 रुपया माने 10 लाख रुपीज। न वो पेपर में फोटो था, न प्रसिद्धि थी, न कोई टीवी चैनल वाला आया था, और फिर भी 10 लाख देने के बाद जब बात करता था तब उनके आंसू रुक नहीं रहते, वो रोते रोते बोलता था कि ये तो दिया, फूड भी तो दिया, मगर लगता है गर्मी के दिन में इन सबके पैर नंगे है, कैसे फोड़ पाएंगे। तो मैं सबके पैर में कुछ पहनने का मौका मिल जाए, चप्पल बूट या स्लीपर, उनकी व्यवस्था करता हूं। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, आपका हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग हैबिट कितनी है? स्वार्थ नहीं, परमार्थ, परार्थ और परमार्थ की बात। और आपने देखा होगा जन्माष्टमी के दिन, आज मैं भाईखाना से हूं बंबई से, जन्माष्टमी के दिन गोविंद आला का एक त्योहार होता है, शायद सूरत में भी होता होगा, राजकोट में भी है, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ये गोविंदा का त्योहार मनाया जाता है। मटकी फोड़ने की व्यवस्था, ऊपर एक रस्सी और पिरामिड बनता है, 4 लोग 5 लोग 10 लोग, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, और ऊपर जाकर के एक लड़का जो ताकत वाला होता है ऊपर जाके मटकी फोड़ देता है। मान लिया पूरे मीडिया में उनका प्रचार होता है, नाम आता है, इनाम मिलता है, इनाम की राशि, मगर जो ऊपर पहुंचा है उनको बिल्कुल पता है, और वो गोविंदा को देखने वाले नीचे जो खड़े उनको भी पता है कि अननोन गोविंदा ने उनका कंधा नहीं दिया होता, ये 100% ऊपर नहीं पहुंच पाता। ऊपर पहुंचने वाला भले ही ऊपर पहुंच गया, मगर कितने गोविंदा ने उनको कंधा दिया, एक एक कंधे से लेकर के
वो ऊपर पहुंचने में सफल होगा। दिस वॉज द हेल्पिंग नेचर। आप यदि हेल्प करने के लिए थे, मैं तो ये पूछना चाहूंगा, थाली में भोजन है, आपने भोजन को हाथ में उठाया और सच बताओ वो भोजन आपने हाथ में रख दिया, क्या आपका खून बनता था क्या? नहीं, आपने हाथ में से भोजन मुंह तक जाने दिया, मुंह ने अपने पास न रखा और अंदर जाने दिया, पेट ने अंदर न रखा, पूरे शरीर में फैला दिया, तो आगे आगे बढ़ते चला तो भोजन में से खून बना और आपके शरीर में एक ताकत बन गई। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा जीवन मेरे से नहीं चलता है, मैं निश्चित नहीं, आपका जीवन भी आपके अकेले से नहीं चलता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आप जहां भी मुझे सुन रहे उनको पूछना चाहता हूं, मेरी ओर से मैं बताने दीक्षा, मेरे गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है, मैं लेने के लिए आया था मगर गुरुदेव मुझे रिजेक्ट कर सकते थे, मैं तुझे दीक्षा देना नहीं चाहता हूं, चलो मेरी बात तोड़ो। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन में कोई अभिमान हो, आप ये बोलते हो मैंने जन्म लिया, मैं आज पहली बार आपको पूछना चाहता हूं, शायद इस प्रश्न पर आपने भी फोकस नहीं किया होगा, आप ही मुझे बताओ, आपने जन्म लिया कि आपकी माता ने आपको जन्म दिया? यदि आपकी मां नहीं चाहती आपको जन्म देने के लिए, एबोर्शन करा देती और नकार देती कि मैं जन्म देना नहीं चाहती, तो आप आज मेरे प्रवचन नहीं सुन पाते, आप इस जमीन पे नहीं होते। माने आपकी मदर का हेल्पिंग नेचर था आपको जन्म देने का, चांद का खतरा मोल करके आपकी माता ने आपको जन्म दिया, तब आप यहां पहुंचे हो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, एक आदमी के किसी ने पूछा था संत को, महाराज प्रवचन में तो बहुत बार मैंने सुना स्वर्ग और नरक की बात, सचमुच स्वर्ग और नरक है क्या? संत ने बोला कि साइंस का स्टूडेंट है वो संत और स्वर्ग और नरक की बात ऐसे समझना नहीं चाहता होगा, जुमला स्वर्ग और नरक क्या है वो मैं तुझे एग्जाम्पल से बताऊं, है कि नहीं वो बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर तेरी खोपड़ी में बैठ जाए बात, इसलिए मैं तुझे आजा एक बात बताना चाहता हूं। एक जगह भोजन समारंभ था और बाबू को ले गए, करीबन 100 लोग बैठे थे, थाली में नमकीन थी, मिष्ठा सब कुछ थे, मगर सबकी आंख में आंसू थे। भोजन उपलब्ध होने के बाद भी किसी के पेट में भोजन जा नहीं रहा था, वो देखते रहा और उसने देखा तो कमाल की बात, सभी भोजन करने वाले जो भी थाली पे बैठे थे उनके इस यहां एक लकड़ा बांधा गया था, लकड़े को दूरी से टाइट किया गया था, अपनी थाली में हाथ डाल करके भोजन उठा तो लेते थे मगर खाने का मौका मिलता था तब हाथ सीधा आगे चला जाता था, अपने मुंह में वो भोजन जा नहीं पाता था। सब हैरान थे, आयोजनकर्ता को गाली दे रहे थे कि ऐसी भोजन की व्यवस्था कैसे बनाई, मिष्ठान नमकीन फरसान सब कुछ रख दिया मगर सबके हाथ लकड़े से बांध दिए तुमने दूरी से टाइट, और संत ने उनको देख लिया सभी की थाली में भोजन मगर सब भूखे, भोजन की इंडी स्वतंत्र थे करने के लिए मगर कोई भोजन नहीं कर पाता था। अब चल बाजू में, मैं बाजू में तुझे दिखा देता हूं, और बाजू में गए, वही व्यवस्था थी, वही थाली, वही भोजन, वही भोजन की आइटम, मगर सबके चेहरे पे प्रसन्नता थी क्योंकि थाली में से भोजन तो सब लड़के उठा रहे थे मगर खुद के मुंह में भोजन डालने के बजाय वो बाजू वाले के मुंह में भोजन डालते थे, बाजू वाला इनके मुंह में डालते थे, एक दूसरे के मुंह में भोजन डालते थे, सबका पेट भरा हुआ था, सबके चेहरे पर स्माइल था। संत ने उनको बोला देख भोजन होने के बावजूद भी खुद को ही खाने का प्रयास दूसरे को नहीं देने का प्रयास, ये धरती का नरक है, और अपनी थाली में भोजन आ जाए वो दूसरे के मुंह में डाल देना
ये जो हेल्पिंग नेचर है वो धरती का स्वर्ग है। मैं ये कहूंगा पूरी दुनिया में हिंदुस्तान कोरोना दफी पे ये जो हेल्पिंग की व्यवस्था है वो इसके हिसाब से दुनिया में ये तारीफ हो रही है। ये हिंदुस्तान की नेचर, हिंदुस्तान की प्रजा, हिंदुस्तान का कल्चर ही तो कर सकता है। सेकंड स्टेप, माय एम इज हेल्पिंग। मैं चाहता हूं जहां भी मुझे मौका मिले ऐसा हेल्प मत करना कि सामने वाले को कोई पीड़ा हो जाए। पिताजी ने बता दिया था बेटे को, बेटा रोजे परोपकार का काम करना, किसी को मदद करना। और शाम के समय बेटा आया, बेटे के चेहरे पे मुस्कान दी और पिताजी ने पूछा कि आज परोपकार का काम किया? पिताजी एक अच्छा काम कर दिया। कौन सा काम किया? पिताजी आज मैं घर से स्कूल पे जा रहा था ना, रास्ते में एक आदमी मिला, वो थोड़ी जल्दबाजी में था, वो अपने बाजू वाले से बात करता था। 10:30 की ट्रेन है मलाड से और अभी 10:20 हो गई, रास्ता है 15 मिनट का। 10:30 की ट्रेन में जाना जरूरी है, 10:20 हो गई, 15 मिनट का रास्ता है, कैसे पहुंच जाऊंगा समझ नहीं है। यदि नहीं पहुंच पाया बॉस नौकरी से कैंसिल भी कर सकता है, वो टेंशन में था पप्पा। मैंने उनको 10:29 को पहुंचा दिया। पिताजी भी समझ नहीं पाते कि बेटे ने ये कौन सा पराक्रम कर दिया। 10:30 की गाड़ी, 10:20 को यहाँ, 15 मिनट का रास्ता। बेटे ने बोल दिया पप्पा मैंने 6 मिनट उनको जल्दी से पहुंचा दिया। तब पिताजी ने पूछा कैसे पहुंचा दिया? तब उसने बता दिया पिताजी देखो मेरे साथ मेरा जो डॉगी है ना टॉमी, वो टॉमी उनको पीछे दौड़ाया, इतना जोर से दौड़ाया भागा और भागते भागते स्टेशन पे पहुंच गया और 10:29 की उसको ट्रेन पकड़ दी। पिताजी आपने मुझे बोला था ना हेल्पिंग करना, मुझे ऐसी हेल्पिंग कर दी। मैं चाहता हूं ऐसा परोपकार नहीं करना है, किसी की आंख में आंसू आ जाए ऐसा परोपकार नहीं करना है। वी शैल ट्राई अवर बेस्ट। हम भी आपको मांगना नहीं, हमारा तो हमारी पहचान है सहाय करे वो साधु, सहाय करे, कॉपरेट करे, नो कॉम्पिटिशन न कंपैरिजन बट कॉपरेशन। ये हेल्पिंग नेचर आज के माहौल में बहुत जरूरी। माय एम इज वॉलंटियरिंग, सेकंड इज द माय एम इज हेल्पिंग। कभी कभी तो सुनने को मिलता है ना तो समझ में नहीं आता है ऐसी भी हेल्प क्या कोई कर सकता है। बरसों पहले मैं अमरावती में था, महाराष्ट्र का अमरावती, वीआर करते करते मैं आ रहा था। एक ब्लाइंड दंपत्ति 2-5 लड़के के साथ मिलने के लिए आए थे और जो बात सुनी, मेरी उम्र हुई 73, साधु जीवन का मुझे हुआ 53 इयर्स। इतने साल तक ऐसा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल न मैंने देखा न मैंने सुना और मैं समझ नहीं पाता हूं आने वाले दिनों में ऐसी कोई बात मुझे सुनने को मिलेगी। आज मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो बहन ने मुझे बता दिया, आने वाले जो आए थे लड़के उसने बता दिया, बहन आपके मुंह से ही गुरुदेव को कुछ बताओ। वो बहन तो बताने के मूड में भी नहीं थी। मेरा जब आग्रह हुआ तब बहन ने बता दिया हमारा साहब, मैं और मेरे पति दोनों ब्लाइंड है, हम सर्विस कर रहे हैं, 53,000 की सैलरी हम दोनों के बीच में है। और एक दिन मैंने मेरे पति को कहा हमारा तो कोई इश्यू है नहीं, हम दो ही है, 53,000 की सैलरी जरूर से बहुत ज्यादा है, हम क्या किसी को मदद नहीं कर पाते। अब इस एग्जाम्पल को जो भी मुझे सुन रहे हैं उनको बोलता हूं ऑब्जर्वेशन करना, 53,000 की सैलरी उनको लगता था बहुत ज्यादा है, जरूर से ज्यादा, हम किसी को हेल्प नहीं कर सकते क्या? पति ने पूछा हेल्प करे को भी कैसे करेंगे, हम दोनों तो ब्लाइंड है। सोचे और 2 दिन के बाद पत्नी ने अपने पति के सामने प्रस्ताव रखा,
हम जा रहे थे अमरावती के पास, इर्द गिर्द कोई ऐसे स्लम एरिया में कोई भी लड़की यदि ब्लाइंड हो हम इनको गोद ले ले। ब्लाइंड दंपति हेल्पिंग नेचर को लेकर के ब्लाइंड लड़की को गोद लेने की सोचे, ये मिरेकल था और पति ने हां बोल दी, ब्लाइंड लड़की को गोद लिया। और मैं आपको ये कहूंगा, यहां रुकने की बात नहीं थी, 53,000 की सैलरी में वो पत्नी ने अपने पति को कहा और भी तो हम कर सकते हैं। और ये आगे बढ़ते 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 वहां तक पहुंचे, आज महाराज साहब मेरे घर में, हम दो तो है ही मगर सब होकर के 22 ब्लाइंड गर्ल्स को हमने गोद ले रखा है। वी कांट बिलीव, हम सोच नहीं सकते, लाखों रुपया होने के बावजूद भी ये हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग की क्षमता, स्ट्रेंथ, ये हेल्पिंग का भाव आना करीबन करीबन इम्पॉसिबल लगता है। मेरी में कहा और जब आपने बता दिया महाराज साहब 22 ब्लाइंड लड़की हमारे घर में हमने गोद ले रखी है, 53,000 की सैलरी में हमारा ठीक ठीक चलता है। और आगे की बात उसने बताई, महाराज साहब इस 22 ब्लाइंड लड़की को जब स्कूल जाना होता है, हमने 2 अल्सेशन डॉग रखे हैं, 22 लड़की जाती है, आगे एक डॉग पीछे एक डॉग, उनकी सिल्क की सुरक्षा ये दोनों कुत्ते करते हैं। माने 26 व्यक्ति को अपनी 53,000 की सैलरी से उनके जीवन को आगे ले जाने का ख्याल, हम सचमुच हैरान हो सकते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो मुझे सुन रहे उनको, हाथी को एक दाना नीचे गिरा दे, हाथी अपने मुंह से एक दाना नीचे गिरा दे, लाखों चीटियों का काम हो सकता है। आपके पास 53,000 की सैलरी में 24 लोगों को संभालना, वो बात मैं नहीं करना चाहता हूं, मगर आपके पास जो कुछ भी है उनसे शेयरिंग नेचर, हेल्पिंग नेचर यदि आपके पास हो जाएगा, निश्चित तौर से होगा आपका जीवन हाइट पे चला जाएगा। नंबर 2, टॉलरेटिंग इज द फर्स्ट एम, हेल्पिंग इज द सेकंड एम, और 3, इंप्रूविंग। मेरे जीवन में भी गलती बहुत है, सभी के जीवन में गलती है, न मैं भगवान बन चुका हूं, भगवान बनने के मार्ग पर निश्चित चलता हूं, मगर परमात्मा तो नहीं बना हूं। लड़के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, इंप्रूविंग नेचर, एक बात बताना चाहता हूं, न किसी की जेलसी, न किसी के साथ स्पर्धा, मेरी खुद मेरे साथ स्पर्धा। कल में जितना अच्छा था उसे आज 1% भी अच्छा हो गया, इंप्रूविंग नेचर। पहले तो ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, मेरी गलती को सुधार करने के लिए गलती को दिखाने वाला तो कोई चाहिए। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भी मुझे सुन रहे उनको, आपके इर्द गिर्द आपकी गलती को दिखाने वाले लोग कितने कितने? किताब लिखने के बाद, प्रूफ रीडर के बाद जब किताब भेजता हूं प्रूफ चेकिंग के लिए, तो मेरे मन में भाव निश्चित तौर से होता है कि कहीं भी गलती हो, गलती निकाल दे तो अच्छा, और गलती निकालने वाले को तो हम, प्रूफ रीडिंग करने वाले को तो हम इनाम देते हैं। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत नो इम्प्रूविंग नेचर, हम जैसे अपने आप को पूर्ण मान के बैठे हैं, गलती को सुधारने की करीबन कमर करीबन हमारी तैयारी है कि नहीं मालूम नहीं है, और इसलिए हमारा जीवन गलती रोज दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन गलती बढ़ती जा रही है। एक पूछना चाहता हूं, एग्जाम में जो पास हो जाते हैं, एक स्कूल की एग्जाम होती है और कहीं आप ड्राइविंग करने के लिए जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना पड़ता है, वहां भी एग्जाम होती है। एक छोटा सा प्रश्न मेरे सामने जो भी लड़के सुन रहे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं कि जिस क्लास में आप हो, इनकी एग्जाम में आपका जो भी मार्क्स आया हो,
और एक महीने के बाद फिर से वही एग्जाम लेने का आपको मौका मिले और एग्जाम लेने का डिक्लेयर हो जाए। पहली एग्जाम ने आपने सब होकर के 92 मार्क्स लाए शायद, और एक महीने के बाद वही एग्जाम आकस्मिक डिक्लेयर हो जाए और आपको वो एग्जाम देना कंपलसरी हो जाए, आप 92 मार्क्स निश्चित तौर से लाएंगे क्या? व्हाई नॉट? और मैं पूछना चाहता हूं, ड्राइविंग करने के लिए जाते हो, ड्राइविंग की जो एग्जाम लेते हो, लेने वाला ड्राइविंग लाइसेंस देने के पहले जो एग्जाम लेता है और ड्राइविंग आपने सीख ली, वो एग्जाम देते वक्त ही आपको ड्राइविंग आती है कि एग्जाम खत्म होने के बाद भी जिंदगी भर तक आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ती है? आप बोलेंगे गुरुदेव एक बार हमने ड्राइविंग में पास हो गए, जिंदगी भर तक कहीं भी हमारी ड्राइविंग की एग्जाम ले हम पास ही होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज मेरा जीवन यहाँ तक पहुंचा है उसमें सबसे बड़ा सबसे बड़ी कोई ताकत है इंप्रूविंग नेचर? गलती बहुत होती रहती है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कॉलेज और स्कूल में लड़के और लड़की कुछ भी करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, कोई टीचर उनको पनिशमेंट नहीं कर पाएगा। आई एम राइट? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यदि किसी टीचर ने उनको टॉर्चरिंग किया सजा है, मैंने कई जज को भी पूछा था कि टीचर यदि सजा करे तो टीचर को कुछ पनिशमेंट है, लड़का या लड़की कोई भी गलत बिहेवियर करे उनके लिए तुम्हारे पास कोई प्रावधान है कि नहीं? नहीं। मैं ये पूछना चाहूंगा उम्र युवा भाई, शरीर में शक्ति रिस्ट्रिक्शन और प्रोटेक्शन के खिलाफ मानसिकता, अनप सनप पैसे, स्वतंत्रता के नाम से करीबन करीबन स्वच्छंदता और गलती करने का बार बार प्रसंग आता है, और यदि आपको गलती सुधारने की मानसिकता नहीं है, क्रिकेट का तो क्रेज है, एक भी क्रिकेटर आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो क्रिकेट की मैच खत्म होने के बाद खुद की वीडियो नहीं देखता होगा। मैंने सुना था वहां तक तेंदुलकर की लास्ट मैच थी, ही वाज आउट ऑन द 73 रन्स, जिंदगी में अभी एक भी मैच खेलने वाला नहीं था, एंड था वो, फिर भी लास्ट मैच में 73 पे आउट होने के बाद वो अपने स्थान पे जाकर के उसने अपने बड़े भाई के साथ ये चर्चा की थी किस गेंद पे मैं कैसे आउट हो गया। गलती को सुधारने की मानसिकता, गलती को दिखाने वाला कोई नहीं मिलता है, दिखाने वाला मिलता है तो स्वीकार करने की तैयारी नहीं, और स्वीकार करने के बाद सुधारने की यदि हमारी तैयारी नहीं है तो मैं नहीं मानता हूं जीवन हमारा टॉप पे चले। जीवन का ग्रोथ लाना है, 2 साल के पहले करीबन 1000 लोगों के साथ हम कलीकुंड से संकेश्वर की ओर जा रहे थे, डिंडी थी, पैदल यात्रा करने वाले बहुत थे, एक हाथी था उनके साथ, मेरी आंखों के सामने मैंने देखा। दोपहर को 2:30 बजे मैं टेंट में बैठा था और एक पेड़ के नीचे हाथी था, हाथी नीचे पड़ी हुई हर चीज महावत को देता था, और हाथी ने शायद आपको आपने देखा होगा हाथी को चलाने के लिए कुछ ट्रेनिंग भी नहीं होता है, महावत के हाथ में अंकुश होता है, वो अंकुश हाथी के गंडस्थ होता है। मेरी आंखों से देखा हाथी ने जमीन पे पड़ा हुआ अंकुश उठाया और ऊपर बैठे हुए मावत को हाथ में दे दिया। आपको मालूम होगा कि अंकुश से मावत हाथी को पीड़ा ही देने वाला था, मगर हाथी को लगा कहीं भी चलते चलते मेरी गलती हो जाए, गलत दिशा में मेरा पैर चल जाए
और सही दिशा में मेरा पैर आ जाए तो उनको सुधारने की मुझे जरूरत है। सामने से होकर के उसने मावत के हाथ में अंकुश दे दिया। मुझे दुख तो ये होता है, लड़के लोगों को लड़कियों को मैं पूछना चाहता हूं, आप ट्यूशन लेते हो कहीं किसी प्रोफेसर के पास, प्रिंसिपल के पास, टीचर के पास आपका ट्यूशन चलता हो, आप लेसन करके आओ और पढ़ते पढ़ते आपकी कितनी भी गलती हो और ट्यूशन लेने वाला प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल आपकी एक भी गलती को निकाले नहीं और ट्यूशन की समाप्ति के बाद बोले कि तेरे लेसन में गलती तो बहुत थी मगर तुझे बुरा लगता था इसलिए मैंने गलती नहीं निकाली, तो क्या मानते हो आप? टीचर पे गर्म हो जाएंगे, सर आपको मैंने रखा था क्यों? मेरी गलती को आपने देखा फिर भी गलती को निकाला नहीं, मैं आने वाले दिनों में मेरी करियर बनेगी कैसे? मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, शिक्षा में गलती हो तो निकालने वाला कोई मिलना चाहिए, जीवन में कोई गलती हो तो निकालने वाला कोई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये है हमारे पास इंप्रूविंग नेचर, नंबर वन टॉलरेटिंग नेचर, सेकंड हेल्पिंग, थर्ड इज द इंप्रूविंग, सुधारने की तैयारी, और चौथे नंबर में माय एम इज स्माइलिंग। पीड़ा तो आती रहेगी, पार्ट ऑफ लाइफ, किसी का भी जीवन पीड़ा से मुक्त नहीं है मगर वो पीड़ा के बीच में टूट जाना, स्माइलिंग नेचर। एक ताकत लेकर के बैठे वो अमृता प्रीतम की एक शायरी, जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे चुभ जाएंगे, जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे चुभ जाएंगे, लोगों ने गुलाब की यात्रा में जाने से कांटे के डर से कई लोगों ने रोका था मगर हिम्मत करके वो यात्रा पे निकल गए। हुआ ऐसा जब हम गुलाब तोड़ने गए लोगों ने कहा जरा संभल कर कांटे चुभ जाएंगे मगर गुलाब तक पहुंच ही गए और कांटे फूल बन गए, स्माइलिंग नेचर। भावनगर में बरसों पहले मैं चातुर्मास था, ये एग्जाम्पल मुझे स्माइली नेचर को लेकर के बहुत बड़ा प्यारा है। एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, शाम का समय था, चेहरे पे मुस्कान थी। मैंने पूछा आज इतनी मजा में क्यों है? हमारा साहब बोर्ड का एग्जाम था, एग्जाम तो खत्म हो गई, आज बोर्ड का रिजल्ट था। स्माइल देख करके मुझे मन में आया कि रिजल्ट में आया होगा नंबर बंबर। मारे साहब सुबह पार्टी देख के आया, पार्टी, अभी बोर्ड का रिजल्ट, पार्टी, चेहरे पे स्माइल, हम अनुमान कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैंने भी अनुमान कर दिया 92, 93, 95, 97% शायद आया होगा। मैंने पूछा पार्टी देख के आया, बोर्ड का रिजल्ट था, कितना परसेंटेज आया? मारे साहब 37। और जैसे ही 37 सुना मैंने बोला यार मेरी भी मजाक करता है, महाराज साहब आप साधु हो, मेरे गुरु हो, आपकी मजाक थोड़ी करता हूं। मैंने बोला जिंदगी में कभी ऐसा लड़का नहीं देखा 37 पर कोई पार्टी देता हो, तो फिर भी महाराज साहब मैं देख आया। तब मैंने पूछा कि 37 में पार्टी देने का राज क्या है? महाराज, महाराज साहब एक बार बताऊ, 94 वाला जिस क्लास में जाएगा ना उसी क्लास में मैं जाऊंगा, ये क्या कम समाचार है क्या? तो और मानस से वो 94% लाने वाले को पूरी रात का टेंशन रहता था, बेचारा शरीर का कमजोर हो गया, मैं तो इतना मस्त हूं और 37 में पास होगा इसलिए पार्टी दे गया। मैं पहले ही एग्जाम्पल बता दिया, 93 में एक लड़के ने सुसाइड कर दिया था और एक लड़का 37 में पार्टी दे सकता है। भाई परिस्थिति तो वही थी मगर स्माइलिंग नेचर। मैं एक बात बताना चाहूंगा, हैप्पी होना टफ है, सक्सेस होना भी टफ है मगर आपके एटीट्यूड को यदि संभालना आप चाहते हो, एटीट्यूड, दुनिया का हर सुख और हर दुख ओनली ड्यू टू एटीट्यूड, सुख का कोई एड्रेस नहीं है।
आप बोलते हो गाड़ी में सुख है तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, आप बोलते हो पैसे में सुख है मेरे पास पैसा नहीं है मगर सुख है, तो आप भी जवाब नहीं पाएंगे। आज वो प्रश्नोत्तरी का माहौल ये प्रवचन की समाप्ति के बाद होगा, मगर आप यदि मुझे बता सकते हो वेर इज द हैप्पीनेस, सुख का कोई ठोस एड्रेस बिल्कुल नहीं। यदि एड्रेस है तो एक ही एड्रेस है, आपके पास एटीट्यूड यदि गुड है हर हालत में आप सुखी हो, और एटीट्यूड आपका यदि गलत है आप हर हालत में दुखी हो। आप एक काम करेंगे, थोड़ा मैं समय ले लूंगा आपका ही, मगर अल्फाबेट एटीट्यूड का है, AttitudeE, अंग्रेजी अल्फाबेट में जितने भी अक्षर आते हैं और उसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, ए को ओम नंबर, ए दे बी को डी दे सी को त्रिन दे डी को चार दे ई को पांच दे एफ को छह दे। आप एक काम करो, आपके पास कागज हो तो पेन लेकर के बैठो, या तो मैं खुद बोलते रहता हूं एटीट्यूड को आप नंबर दे दो। चलो ए नंबर एक, अल्फाबेट में टी आता है नंबर 20 पर, 1 + 3 = 21, और उनके पास दूसरा टी आता है माने उनके सामने भी आप 20 नंबर रख दो माने 1 + 20 + 20 माने 41। फिर अल्फाबेट में आई आता है आई, और आई का नंबर है ABCDEFGHI 9 नंबर, ए नंबर 1, टी नंबर 20, दोबारा टी 20, आई 9, फिर आया टी माने 20, 1 + 20 + 20 + 9 + 20 माने 1, 20, 21, 20, 41, फिर 9, 50, और फिर आया टी माने 20 माने 70, फिर आया यू, टी के बाद यू आता है वो उनका नंबर आता है 21, 1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21। आप ही मैथमेटिक्स करते चलो, 1, 20, 21, 20, 41, फिर 9, 50, 20, 70, 20 माने 70 और 21 माने 91, ओके। और फिर आता है टी, ABCD माने 4, 91 + 4 = 95, एंड फिर आता है ई, उनका नंबर है 5, 95 + 5 = 100। अब हैप्पी में 100 नहीं ला पाएंगे, सक्स में 100 नहीं ला पाएंगे, ओनली 100 आता है ड्यू टू एटीट्यूड ओनली। व्हाई वी आर हैप्पी, आप कभी आओ मुनि को देखो, आपके पास सब कुछ है, मेरे पास शायद आप आपके पास जो कुछ भी है उसमें से कुछ नहीं है, मगर चेहरे की मुस्कान, मस्ती, प्रसन्नता, स्वस्थता, एटीट्यूड, चाहे कुछ भी स्थिति हो मगर आपका एटीट्यूड यदि अच्छा हो आपको दुखी करने की ताकत किसकी नहीं। मैं आज एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप प्रश्नोत्तरी में जवाब दे पाएंगे, आनंद आ जाएंगे। मोबाइल, आपने किसी को मोबाइल किया, मोबाइल की रिंग बजी और रिंग पास हो गई, आप जिससे बात करना चाहते उससे बात करने में आप निष्फल बन गए, ओके। और दोबारा जिसको मोबाइल किया और उसने आपके मोबाइल को काट दिया, मोबाइल को काट दिया माने मोबाइल के टुकड़े नहीं कर दिए मगर आपका मोबाइल उसने उठाने से ना बोलती। अभी सच बताओ, आपको यदि पीड़ा होगी तो कहां पीड़ा होगी, पहले नंबर में आपकी मोबाइल की रिंग चली वहां भी बात नहीं हुई, सेकंड नंबर में उसने मोबाइल उठाया नहीं वहां भी बात नहीं हुई, दोनों जगह बात तो नहीं हुई मगर आपको पीड़ा कम होगी, मोबाइल में रिंग बजी और मोबाइल नहीं उठाया, वहां आपको कोई टेंशन नहीं था, टेंशन वहां था आपका मोबाइल उसने काट दिया। भाई आपने खुद के ईगो को इतना बढ़ा दिया जैसे तुम नरेंद्र मोदी हो, अब आपको मानता है कि मेरा मोबाइल वो काटे कैसे, वो समझता क्या है, ये आपकी मानसिकता, ये रॉन्ग एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड, नेगेटिव, तीन एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड एंड बैड एटीट्यूड,
आपको मालूम नहीं, कई लोगों को तो यही मानसिकता है। आप देखो ये कोरोना के माहौल में तुम किसको मिलो, और नेगेटिव एटीट्यूड वाला ऐसा बताएगा जैसे दुनिया प्रलय हो जाएगी। क्या लगता है कैसा होगा? नरेंद्र मोदी देश संभाल पाएंगे? अरे तेरे घर को तो संभाल यार, नरेंद्र मोदी संभाल पाते हैं देश को। मगर कई लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, वो खुद तो दुखी रहता है, कई लोगों को दुखी करता है। एक बहन डिप्रेशन में थी, अभी बहुत होशियार डॉक्टर था, और वो होशियार डॉक्टर के पास किसी ने सजेस्ट किया, इस डॉक्टर के पास तुम चली जाओ, निश्चित डिप्रेशन से डॉक्टर बाहर निकाल देगा। और वो बहन गई, कोरोना का माहौल था, अभी हॉस्पिटल भी करीबन करीबन खाली पड़ी है, कोई जाता ही नहीं, और डिप्रेशन वाली बहन चली गई, चार मंजिल की हॉस्पिटल। किसने पूछा डॉक्टर कहाँ है? चौथी मंजिल पे। और डिप्रेशन वाली बहन पहली मंजिल पे, वो बस हॉस्पिटल में घूमने लगी, और हॉस्पिटल की बेड खाली, हॉस्पिटल का कमरा खाली, फर्नीचर लेटेस्ट, और पहली मंजिल में चली, करीबन 20 कमरा, एक भी मरीज नहीं। दूसरी मंजिल पे चली, 20 कमरा, एक भी मरीज नहीं, और लेटेस्ट फर्नीचर था, एयर कंडीशन, सेंट्रल एयर कंडीशन हॉस्पिटल। तीसरी और चौथी मंजिल, चार मंजिल पे हॉस्पिटल में करीबन 200 मरीज की जगह पे 20 मरीज थे, और ओपीडी देखी, ऑपरेशन थिएटर दी, बहन आई डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जैसे आई, डॉक्टर ने बोला बहन, डॉक्टर को पहले से मैसेज दे दिया था डिप्रेशन में है, ताकि उनकी दवाई करनी है। अभी डॉक्टर बहन को पूछे कि बहन आपको दिक्कत क्या है, अभी बहन खुद की दिक्कत बता भी, इसके पहले बहन ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब एक प्रश्न का जवाब देंगे तो क्या है, आपने इस हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कितना किया होगा? डॉक्टर ने 5 करोड़, और मरीज तो सब होके 20 है, सब कमरे खाली पड़े, ओपीडी में कोई नहीं, ऑपरेशन थिएटर में कोई नहीं है। तो डॉक्टर साहब एक प्रश्न पूछूं, ये आपका हॉस्पिटल का मेंटेन कैसे चलता होगा? डॉक्टर खूब डिप्रेशन में आ गया। अभी ऐसे लोगों के पास, आपके इर्द गिर्द यदि कोई ऐसे लोग है जिनको करीबन बातचीत बातचीत में बस नेगेटिव 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 स्माइलिंग, मैं आपको बताना चाहूंगा चेहरे पे मुस्कान, फिर से कहूं जिसके चेहरे पे मुस्कान है उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, ऐसा मत समझना। मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिसके चेहरे पे मुस्कान है उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, ऐसा मत समझना। मगर इतना समझना, वो दुख पर हैवी हो चुका है, इसलिए उनके चेहरे पर वो मुस्कान बना के बैठा है। मुनि के चेहरे पे मुस्कान इनकार दिया नहीं कि मुनि के जीवन में कोई दुख नहीं है, मगर दुख को भी अपने पैर के नीचे दबाने की क्षमता रख करके बैठा है। ओनली ड्यू टू गुड एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि जीवन को बचाना है, आप चाहते हो गुरुदेव इसी माहौल के बीच में, दुनिया की बात छोड़ो यार, वो लंबी छोड़ी, चिंता मत करना, कई लोगों को खुद का लेसन है नहीं, और इतना आगे बढ़ता है ना, परिवार की सोचता है और आगे निकलता है, समाज की सोचता है, और कई लोग तो ऐसे पूरी दुनिया की सोचते हैं, उनको तो ये प्रवचन उनके लिए नहीं है। इंडिविजुअल जीवन परिवर्तन करना है, आप खुद चाहते कि मेरे जीवन को मैं हाइट पे ले जाना चाहता हूं, मेरी बात में बताना चाहूंगा, इसलिए आपको बैकग्राउंड का पता चले। 19 साल की उम्र में मैं साधु बना, भले आप मुझे जवाब मत दो, मगर मैं आपको भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। करीबन 3500 लोग मुझे सुन रहे, ऐसा समाचार मुझे पहले मिला, मैं उन सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि मैं जिस उम्र में साधु बना वो टाइम यदि आप होते और मैंने यदि तय किया होता कि आपकी सम्मति मिले तो ही मैं साधु बनूं, तो सच बोलो आपने मेरे लिए क्या बोला होता? आज भले तुम मेरे प्रवचन सुनते हो और मेरी तारीफ करते हो कि 350 किताब लिखी, प्रवचनकार बन गए, वो सब ठोकर करो, ये 19 साल की उम्र में साधु बनने के पहले यदि आपकी एडवाइस लेने के लिए मैं आया होता और मैंने आपको पूछा होता आप हाँ बोलो तो ही मैं साधु बनूं, तो सच बताओ आपकी राय क्या होती? मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, शायद आप सब ना बोलते साधु मत, यही है ना, माने एलर्जी क्या है मालूम नहीं।
मैं कोई डाकू बनने के लिए तो नहीं जा रहा था, रैप तो नहीं करने वाला था, किसी का मर्डर नहीं करने वाला था, किसी को डिस्टर्ब नहीं करने वाला था। अरे मेरी दीक्षा हुई तब मैंने एक लड़के को पूछा था कि मेरी साधु बनने से तू राजी हुआ, उसने बोला हाँ। मैं बोला क्यों, तो कि बाजार से कम हो गया है। तो मैं तो यार सबको देके जाने वाला था, सबको छोड़ के जाने वाला था, फिर भी डाकू बने, रैप करे, कोई भी बने, मगर कोई भी लड़का साधु तो नहीं बनना चाहिए। आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाई यू एलर्जी। एक लड़का कोई अच्छे मार्ग पे जाता है, इसमें आपको एलर्जी क्या है? ये बहुत बहुत विचित्र स्थिति है। तो 19 साल की उम्र में मैं साधु बना। आई वाज रियली पुअर इन एजुकेशन, पढ़ने के लिए आता नहीं था, लिखने के लिए नहीं आता। मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज ये सब कुछ है, ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं मैट्रिक पास, और मैट्रिक पास वो भी बता दूं, क्लेरिफिकेशन कन्फेस कर दूं, हर स्कूल में हर परीक्षा में कॉपी करते करते आगे निकला। मैंने सीधा तो पास में भी नहीं हुआ, इसलिए छूट नहीं देता हूं कॉपी करना। हाँ, मगर मेरी औकात बताना चाहता हूं, हर क्षेत्र में कॉपी करते करते पास हुआ। और 19 साल की उम्र में दीक्षा के बाद अप टू 28 एज 9 साल तक किसी को एक पोस्टकार्ड भी लिखना मेरे बस की बात नहीं थी। आई वुड द पुअर इन राइटिंग। और एक दिन जिस गुरुदेव के चरण में मेरा जीवन समर्पित किया, वो अनंत उपकारी पूज्यमान आचार्य भगवान भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज, जिसने मेरा हाथ थामा। और एक दिन आपने मुझे बुलाया, पालनपुर का वो एरिया था, दोपहर को 2:30 का समय था, और आपने मुझे बता दिया रत्न सुंदर लिखना शुरू कर दे। 4 दिन पहले जिस गुरुदेव के पास जाकर के मैंने पोस्टकार्ड के लिए डिक्टेशन लिया था, वो गुरुदेव खुद मुझे बोलते रत्न सुंदर तू लिखना शुरू कर दे। मेरी औकात मैं जानता था, और मैंने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव 4 दिन के पहले तो आपके पास आकर के मैंने डिक्टेशन लिया था, और आप मुझे बोलते रत्न सुंदर लिखना शुरू कर दे। तब गुरुदेव का एक कोटेशन मुंह से निकला, मेरे वचन पर तुझे भरोसा है कि नहीं? ओनली दिस सेंटेंस। और गुरुदेव के चरण में, गुरुदेव की गोद में मैंने सर रख दिया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। 2:30 पर ये शब्द निकले, 2:35 पर हाथ में कलम उठाई लिखना शुरू किया। आज 350 किताब तक आ चुका हूं और लिखना शुरू। आई वुड लाइक टू से, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पोसिबल। आशीर्वाद, श्रद्धा, कृपा, करुणा वो क्या चमत्कार कर सकती है, उनका मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल हूं। आपको कहीं दूसरे को देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने जो बैठा है वही एग्जाम्पल है। गुरुदेव की ताकत, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की करुणा, आपकी ताकत से आज मैं यहाँ बैठा हूं। तो आज मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, वेबिनार के माध्यम से हजारों लोगों के बीच में मेरे प्रवचन का आपने आयोजन किया, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। लॉकडाउन के माहौल के बीच में ऐसा एक आयोजन करके लोगों का हौसला बढ़ाना, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का आपका ये प्रयास, सचमुच मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर से मैं वाइंड अप करता हूँ, टॉलरेटिंग, हेल्पिंग, इम्प्रूविंग एंड स्माइलिंग, ये 4 मेरे जीवन का गोल बन जाए, निश्चित तौर से मेरा जीवन आगे की ओर अग्रसर होगा। अब 5:45 समय हो चुका है, आपको कोई भी प्रश्न करिए, मैं विराम देता हूँ। थैंक यू, आभार गुरुदेव। अपना संपूर्ण सेशन, पूरे सेशन में जो 4 टॉपिक आपने रखे और एक सेंटेंस, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल, ये पूरा सेंटेंस, और आपकी जो बुक सभी पार्टिसिपेंट को मिलने वाली है, यस आई कैन, सो ये सभी बात से इतना निश्चय हो रहा है, सभी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड है और सभी पार्टिसिपेंट यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, सभी के जीवन में पूरे ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से हो जाता है।
दिन प्रतिदिन पारिवारिक झगड़े बढ़ रहे हैं, जनरेशन गैप भी बढ़ रहा है, ज्वाइंट फैमिली टूट रहा है, तो उस कंडीशन में उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले समस्या जनरेशन गैप की नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। ये दिमाग से निकाल दो। किसी भी उम्र में, किसी भी टाइम, किसी भी जमाने में, सत्युग में, कलयुग में, भगवान थे तब और आने वाले दिनों में, पिता और पुत्र के बीच में जनरेशन गैप तो रहेगा। बाप और बेटा दोनों समान उम्र के तो नहीं होते, तो जनरेशन गैप तो रहेगा ही रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। मैं ये पूछना चाहूंगा, तीन चार बातें ऐसी है जो फैमिली को जुड़े रखती है। नंबर वन, जिनके पास लेगो नेचर है वहां फैमिली को कोई डिस्टर्ब नहीं होती, हर चीज में पकड़ने की बात। मैं जो बोलता हूं, जो सोचता हूं, चाहता हूं, लड़का भी बोलता है पापा को वही करना है जो मैं मांगता हूं, लड़की भी बोलती है मैं वही चाहती हूं जो मम्मी को देना ही चाहिए। बाप बेटा लड़के लड़की सब अपनी बात को पकड़ करके एग्रेसिव बन करके बैठे, ऐसी स्थिति में कोई परिवार बच जाए और परिवार टिक जाए नेक्स्ट टू इम्पोसिबल। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको तीन चार बात करना चाहूंगा। एक समय मेरे पास था जब गर्भ संस्कार थे, गर्भ संस्कार। आपको शायद मैं ऑर्थोडॉक्स भी लग सकता हूं, नए जमाने में महाराज साहब किस जमाने की बात करते हैं शायद आपको लग सकता है, मगर सत्य सत्य रहता है, उनको तुम नकार नहीं सकते। एक व्यवस्था थी गर्भ संस्कार की, माँ के पेट में बच्चा आता था तो माँ समझ जाती थी उनके संस्कार की जिम्मेदारी मेरी है, सब कुछ खाना, सब कुछ पीना, सब कुछ देना, सब कुछ घूमना। और आज के विज्ञान ने, आज के सेक्सोलॉजिस्ट ने जो बदमाशी करके सब कुछ छूट दे रखी है, मैं उनकी बात आज इस सभा में नहीं करना चाहता हूं। मगर एक गर्भ संस्कार था, गर्भ संस्कार के बाद बेटे का जन्म होता था तब आपको मम्मी, एक गृह संस्कार था, गर्भ के बाद गृह संस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका घर संपत्ति वाला है वो तो पता चलता है, आपके घर में संपत्ति कितनी वो तो पता, आपके घर को देख करके पता चलता है, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपका घर संस्कारी है वो पता किसको कैसे चलेगा? आपके घर में आने वाले मेहमान को आपका फर्नीचर, आपका टीवी, आपका वीडियो, आपके कपड़े सब कुछ दिखाई पड़ता है, पोर्च में पड़ी गाड़ी, आपके हाथ में रही घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, उनसे तो पता चलता है कि आप अमीर हो, मगर आप संस्कारी हो वो पता लगाने के लिए आपके पास क्या है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो प्रश्न पूछा उनको मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी फैमिली मेंबर्स अमीर बने वो चाहते कि संस्कारी बने वो चाहते? अपने आपके बेटे को, बेटी को जन्म से लेकर के अभी तक यदि कभी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई बैठाने के बाद, आपने परिवार के लिए गोल क्या रखा है, सफलता, संपत्ति या संस्कार? यदि आप बता सकते हो, अपने बेटे और बेटी को यही बोला, बेटी इस लाइन में जा, एमकॉम बन जा, एमएलएल बन जा, ये बन जा, ये बन जा, तेरी करियर बन जाएगी, मगर व्हाट अबाउट कैरेक्टर? मैं ये नहीं कहता हूं, मगर बहुत छोटी उम्र से आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका बेटा आपको पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर, आप कैरेक्टर की डेफिनेशन बहुत कुछ बाद में कर सकता हूं, मगर फैमिली टूट रही है। चलो मैं बताऊं, आपने पहले जनरेशन गैप की बात बताई, मैं पूछना चाहता हूं, पति और पत्नी के बीच में तो जनरेशन गैप नहीं है ना? मान लिया पति और बाप के बीच में जनरेशन गैप है, कोई ट्यूनिंग नहीं बैठता है, पति और पत्नी के बीच में कहां जनरेशन गैप है? मगर वो डाइवोर्स के केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? या मैं बंबई में बैठा हूं, बांद्रा में 4 मंजिल का मकान है डाइवोर्स के केस के लिए, हर कमरा, हर रूम हाउस फुल जा रहा था, इतना डाइवोर्स हो रहा है। भाई जनरेशन गैप नहीं है फिर भी डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, इनका कारण है परिवार टूट रहा है, और मीडिया भी परिवार टूटे उनकी फेवर में। 2 साल के पहले सुप्रीम के जस्टिस ने, दीपक मिश्रा ने एक फैसला दे दिया था, आपकी पत्नी 5-10 लड़के के साथ सो के आ जाए वो व्यभिचार, वो अपराध नहीं रहेगा। ये आपने सुना होगा,
मैं पूछना चाहता हूँ आपकी प्रतिक्रिया क्या? कुछ नहीं, मैं तो साधु, न मैंने शादी की है, न मेरी पत्नी है, न कोई फर्क पड़ता है। मगर इस देश में हमने कभी ये सोचा था, पत्नी आपकी खुद की 10 लड़के के साथ सोकर के आ जाए, आप उनको कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि व्यभिचार अपराध नहीं है। तो फिर सीता के लिए लक्ष्मण ने जो रेखा खींच दी वो गलत थी क्या? मैं इतना ही कहूंगा, एग्रेसिव नहीं हूं। आप आपके परिवार को, परिवार व्यवस्था को यदि बचाना चाहते हो, संपत्ति और सफलता की बात, सौंदर्य की बात, सत्ता की बात, चार बात, संपत्ति, सफलता, सौंदर्य और सत्ता, चार फिर करो, संस्कार की बात पहले करो, और नंबर दो आपके परिवार को समय देने का ख्याल रखो। जो भी परिवार में समय और संस्कार देने की मानसिकता बनी वो परिवार कभी भी टूटेगा नहीं, समय और संस्कार की उपेक्षा की वो परिवार कभी टिकेगा नहीं। आपके प्रश्न का शॉर्ट में जवाब है, फैमिली व्यवस्था यदि बचाना चाहते हो, समय और संस्कार देने का काम शुरू करो। एक और क्वेश्चन है कि जिनके पास पैसे नहीं है, जो लोग गरीब है, नॉर्मल केसेस में वो लोग डिप्रेशन में नहीं आते, वो सुसाइड नहीं करते, कंपैरिजन टू जो रिच है, जो पैसे वाले हैं, वो तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं, तुरंत सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसा क्यों? शायद आपने एक साल के पहले दुनिया का जो सर्वे हुआ वो सर्वे में एक बात आई, इन द रिच कंट्री आउट ऑफ 175 इंडिया नंबर इज द 6, इन द रिच कंट्री इंडिया का नंबर 6 पे आया, और हैप्पीनेस में इंडिया का नंबर 122 पे आया। दैट मींस ये मेरा सर्वे नहीं है, भगवान महावीर का सर्वे नहीं है, किसी संत का सर्वे नहीं है, आपके क्षेत्र में किसी ने सर्वे किया, 6 नंबर और 122 नंबर। नरेंद्र मोदी देश को शायद कितना भी प्रयास करे वो रिच बना सकते हैं, हैप्पी बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की नहीं है, आपकी खुद की है। पहले मैं, ये मुझे सुनने वाले जो भी है उन सबको मैं पूछना चाहता हूं, आपके मन में निश्चित तौर से ये विश्वास है कि रिचनेस अलग चीज है और हैप्पीनेस अलग चीज है। आप यही मानते हो, हु इज नॉट रिच कैन नॉट बी हैप्पी, आपके मन में डेप्थ तक ये मानसिकता बन चुकी है कि हैप्पी बनना है तो रिच बनना जरूरी है, रिच नहीं हो सकता है वो हैप्पी नहीं बन सकता है। तो मैं ये बताऊं डिप्रेशन पे क्यों आ जाते हैं, रिच और शिक्षित दो ही कैटेगरी वाले लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको दो चीज का नशा है, कंपटीशन एंड कंपैरिजन। यदि कंपटीशन की बात दिमाग से निकल जाए और कंपैरिजन की बात निकल जाए, मैं दो ही मिनट में बता दूं, एक शेठानी करोड़पति थी, उनके घर में काम करने वाली नौकरानी, रोज शेठानी वो नौकरानी को देखते थे, और नौकरानी को देख करके शेठानी को डिप्रेशन आ गया। और एक दिन शेठानी नौकरानी को पूछ लिया, पूछना चाहती हूं मेरे से ज्यादा मजे में तू क्यों है? नौकरानी ने शेठानी को कहा, अब सुनने के लिए तैयार हो गया तो निश्चित, क्योंकि एक बात तो पक्की है, मेरी टेली में कभी आपसे नहीं करती, आपके गाड़ी, आपका बंगला, आपके कपड़े, आपके गहने, मैं कभी आपके साथ मेरी टेली नहीं करती। शेठानी को लगा ये राज बराबर है, मेरे से कम स्थिति में भी चीज हैप्पी और मैं दुखी हूं। और शेठानी को नौकरानी ने एक बात बता दी, बा आपको भी बताऊं मैं, आपको यदि डिप्रेशन से मुक्त हो रहे तो एक काम करो, क्या करूं, मेरे से आपकी टेली करते चलो, मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास बहुत ही, वो टेली करते चलो, आपकी तो बहुत मस्त हो जाएगी। माने शिक्षित और अमीर आदमी यदि डिप्रेशन में जाता है,
एम्बिशंस भयंकर है। दुर्योधन ने जो कहा था, असंतोष श्रियो मूलम, सारी दुनिया का मूल, संपत्ति का मूल असंतोष है। और यही पागलपन को लेकर के आज मीडिया, बिजनेस व्यवस्था सब भाग रहे हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपको यदि डिप्रेशन से मुक्त होना है, आपसे जो नीचे है उनके साथ आपकी टैली करो, आपको लगेगा भगवान ने कमाल कमाल का मुझे दे दिया है। आपके सर पे जो है उनके साथ टैली ना करते, आपके पैर के नीचे जो है उनके साथ आप टैली करो। बाकी तो मैं कहूंगा, पागलपन किसको कहते हैं वो देखना है तो आज अमीरों को देख लो, गरीबों का दुख तुमने देखा होगा, अमीरों का दुख देखेंगे तब पता चलेगा। मैं बताऊं, अमीर लोगों ने भगवान से चैलेंज किए, गरीब कभी भगवान को चैलेंज नहीं करता है, अमीर लोगों ने भगवान से चैलेंज किए, भगवान तो हमें सुखी बनाने का कितना भी प्रयास कर हम दुखी बन गए ही रहेंगे। चार गाड़ी दे हम पांच की चिंता करेंगे, 10 करोड़ दे 11 करोड़ की बात करेंगे, 50 फैक्ट्री दे 51 फैक्ट्री की बात करेंगे। मैं कई लोगों को पूछता हूं, आगे निकलना है तो बराबर है, मगर किससे आगे निकलना है? सबसे आगे निकलना है तो फिर तो स्मशान आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। तो मैं यही कहूंगा, डिप्रेशन में से मुक्त होना है तो एक इंग्लिश कोटेशन है, When we have not what we like, then we must like what we have. Repeat करना चाहता हूँ, When we have not what we like, then we must like what we have. तत्तम राज है। बाकी पागल ही बनना है, मैं बताऊँ, यहाँ दानों और गोलबड़े ने, वहाँ ऐसा है कि कोई आदमी शांत हो जाता है, स्मशान में ले जाते हैं, कंपल्सरी उनकी तारीफ करनी पड़ती है, तारीफ। अभी एक जिंदगी भर पीने वाला था मर गया, अभी स्मशान यात्रा में तो लोग जुड़े, अभी उनकी तारीफ करनी थी। पब्लिक चिकार तारीफ करे तो कैसे करे, जिंदगी में पीने के सिवा कुछ काम नहीं किया था, मगर एक मर्द का बच्चा था, उसने मैं तारीफ कर सकता हूँ, माइक उनको दे दिया और बोला उनके लिए तारीफ कर। तब उसने बोला, मेरे गाँव में एक ही आदमी ऐसा रहा जिसने जिंदगी भर पीता रहा मगर कभी गिरा नहीं, वो कभी वो गिरा नहीं, ये इनका प्लस पॉइंट था। तो मैं ये कहूंगा, डिप्रेशन में से मुक्त होने का एक ही विकल्प है, नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन, बट कॉपरेशन। ये आ गया, हम कोई डिप्रेशन में नहीं है, वी ऑल आर हैप्पी। और बताऊं, तीन दो लड़के अमीर के एक साथ हो गए, और एक लड़का अमीर का दूसरे अमीर को बेटे को बोलता था, तुझे मालूम है? तो क्या हो गया, मेरे घर का जो फ्लैट है ना, फ्लैट में टॉयलेट बनाया 50 लाख का, सोने का नल डाल दिया। अभी उनका मित्र था, उसने बोला मैंने टावर में 50वीं मंजिल पे मेरा फ्लैट लिया है, मैंने भी टॉयलेट तो बनाया, तो बोलता है 50 लाख का, मेरे घर में टॉयलेट बनाया 70 लाख का। ये दोनों की बात गांव में रहने वाला एक लड़का सुन रहा था, किसान, वो चेहरे पे मुस्कान ला के खड़ा रह गया। ये दोनों पूछने लगे, यार हम दोनों की बात में तू चेहरे पे मुस्कान ला के मुस्कुरा क्यों रहा है? उसने बोला, देखो तू बोलता है तेरे घर में 50 लाख का टॉयलेट, ये बोलता है 70 लाख का, मेरे पास 7 करोड़ का खेत है, उसमें मैं टॉयलेट सकता हूँ? जवाब है तो क्या दे, आपको चैलेंज करने वाला तो कोई भी मिल जाएगा। डिप्रेशन में तुम जानबूझ के गए हो, भगवान ने कोई डिप्रेशन की व्यवस्था नहीं बनाई है। फिर से रिपीट करूं, डिप्रेशन का क्रिएशन तुम सबका खुद का है, भगवान ने तो हैप्पीनेस का ही क्रिएशन किया है, मगर तुमने ठान लिए हम दुखी रहेंगे तो रहो आगे। हाँ, एक और क्वेश्चन है, जीवन में ध्येय होना क्यों आवश्यक है? जब तक ध्येय का पता ना चले तब तक क्या करना चाहिए?
और जीवन का ध्येय स्पष्ट रूप से जानने के लिए क्या करना चाहिए? जब तक हम मैच्योर नहीं है तब मैच्योर है उनकी उंगली पकड़ लेना चाहिए। अब छोटा बेटा पूछेगी कि मेरे जीवन का ध्येय क्या, उससे हमको बोलना बाप की उंगली पकड़ ले पहले। जब तक हम खुद कमजोर है, दो नंबर की बात करना चाहूंगा, मैच्योरिटी अलग चीज है, एडल्ट होना अलग चीज है। मैच्योरिटी दैट मीन परिपक्वता, एडल्ट माने पुख्तता। आज देखो गाड़ी का ड्राइविंग करने की छूट एडल्ट को, इज मैच्योर और नॉट हमने कभी चेक नहीं किया। मत देने का अधिकार एडल्ट को है, शादी करने का अधिकार एडल्ट को है, मगर जब तक हमारे पास मैच्योरिटी नहीं होगी तब तक मेरे जीवन का गोल स्पष्ट नहीं होगा। और निश्चित एक और बात बताना चाहता हूं, और कुछ समझ में आ जाए नहीं आ जाए, मगर तीन गोल मेरे जीवन का अभी मैं बताना चाहता हूं, कम से कम डाउन टूवर्ड हम है तो इतना गोल मेरे पास, मेरे चेहरे की मुस्कान किसी के आंख के आंसू पे नहीं लाऊंगा। नंबर वन, मेरे चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता हूं मगर किसी को रुला के नहीं। यदि मेरे चेहरे की मुस्कान के लिए किसी को रुलाना पड़ता है ये मेरे जीवन का गोल 100% नहीं होगा। नंबर दो, मेरा सुख दूसरे के दुख पर डिपेंड नहीं होगा। मैं सुखी होना चाहता हूं मगर वो सुखी होने के लिए यदि दूसरे को दुखी करने की बात आ जाएंगी वो सुख को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। और नंबर तीन, मेरा जीवन बचाने के लिए किसी को मौत की आगोश में नहीं डालूंगी। ये तीन गोल मामूली, सुख चाहिए मगर किसी के दुख पर नहीं, स्मित चाहिए किसी के आंसू पे नहीं, जीवन चाहिए किसी के मौत पर। मैं ये नहीं कहूंगा कि विजय चाहिए किसी के पराजय पर नहीं। क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आपको विक्टरी चाहिए तो हरीफ टीम को पराजित करनी पड़ेगी, वो कोई आपका गोल गलत नहीं है, मगर सुख स्मित और जीवन वो दूसरे को तबाह करने के बाद यदि मुझे मिलता है ऐसे सुख को, ऐसी मुस्कान को और ऐसे जीवन को रिजेक्ट करने की मेरी मानसिकता हो, ये जीवन का गोल यदि मैं बना सकता हूं तो आगे बहुत कुछ रास्ता क्लियर हो सकता है। આગળના પ્રશ્નોત્તરી માટે હું શ્રી વિરલભાઈ શાહને વિનંતી કરીશ. ગુરુદેવ કે ચરણો મેં કોટી કોટી વંદના. ગુરુદેવ આપ જો ઇતના ખુલકર સમજા રહે ઉસમેં કઈ સારે લોગો કે ક્વેશ્ચન કે આન્સર આ ચુકે હૈ, લેકિન ફિર ભી ઓર એક ક્વેશ્ચન યે હૈ કે ધ્યેય કે પ્રાપ્ત કરને કે લિયે ધર્મ કે માર્ગ પર ચલના જરૂરી હૈ और धर्म के प्रति प्रेम ही ना हो तो क्या करना चाहिए? धर्म दो प्रकार के हैं, एक गुणात्मक धर्म और एक क्रियात्मक धर्म, जिनको हम एक्शन में जानते हैं, परमात्मा के मंदिर में जाना, पूजा करना, सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, वो कुछ करना, ये एक क्रियात्मक धर्म और एक गुणात्मक धर्म है। नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, कॉपरेशन भाव, ये धर्म गुणात्मक धर्म। आज की नई जनरेशन को न मालूम किसी भी कारण से धर्म शब्द से उनको न मालूम क्या कारण हो गया, मैं भी नहीं समझ पाता हूं, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं दूर एक एलर्जी है। वो धर्मी को नजदीक आने नहीं देता, वो खुद भी बोलता है हम यहां है वहां बराबर है, और वो एक बात बार बार करता है, मैंने बहुत धर्मी को देख लिया। आपका जो प्रश्न है उससे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, धर्म को अभी अपनी जगह पे रखो, मगर मैं पूछना चाहता हूं जीवन में मॉरल कल्चर दो की प्रतिष्ठा कहां है? धर्म बहुत दूर की बात है। आपने एक समय सुना होगा, मैं फिर से पूछना चाहता हूं, मेरी जब दीक्षा नहीं हुई तब मैंने एक पिक्चर देखा था, वो पिक्चर का एक सॉन्ग था, मैं आपको पूछना चाहता हूं वेब सीरीज में जो भी आता है
आपको उसमें कुछ गलत नहीं लगता है क्या? आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी माँ और आपके पिताजी के साथ बैठ करके खुल करके जो गाली बोली जाती है, आपको उसमें कोई एलर्जी नहीं है, कोई एतराजी नहीं है? इनके खिलाफ आपने कोई आवाज नहीं उठाया? मैंने वेब सीरीज के खिलाफ 6 महीने के पहले पिटीशन एडमिट किए दिल्ली में, मैं साधु हूं, मगर तुम जैसे लोगों के मैंने सुना ऐसी गंदगी आ रही है, उनके खिलाफ बोलने का 1% मन नहीं होता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, धर्म बहुत दूर की बात है, आप मॉरल और कल्चर की पहले बात करो। मैं वो पिक्चर की बात करना चाहता हूँ जो पिक्चर में मैंने गीत सुना था, होठों पे सच्चाई होती है, जहाँ दिल में सफाई होती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। बराबर है, यहाँ तो धर्म की बात नहीं थी, यहाँ मॉरल की बात थी और कल्चर की बात थी। हमारा वो देश है जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। आगे, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आपको धर्म की बात तो छोड़ो, ये कल्चर की प्रतिष्ठा आज आप सबके घर में है क्या? यंग जनरेशन को धर्म से कहीं एलर्जी, उच्चर को लेकर भी इतने खिलाफ इतनी एलर्जी क्यों आ गई? आप किसी के घर में मेहमान बनके अभी जाते नहीं हो, और आपके घर में मेहमान बनके आना अभी कोई चाहता नहीं। ये माहौल करीबन करीबन बन चुका है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से मैं धर्म की बात कर सकता हूं, मगर आज मैं प्रवचन के माध्यम से आप सबके सामने इतना कहना चाहता हूं, धर्म की बात फिर करना। आप जिनको मॉरल मांगते हो, रिपीट, देश की संस्कृति होती है और परिवार के संस्कार होते हैं। देश की संस्कृति और परिवार का संस्कार, दो चीज की प्रतिष्ठा यदि आपके घर में, आपके मन में, आपके जीवन में और आपके परिवार में हो जाए, आज आपके सामने बोलने का वसूल हो जाए। आगे का प्रश्न गुरुदेव राधा सीता की ओर से, ये पूछ रहे कि जीवन में स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकते हैं और उसकी शुरुआत कहां से करनी चाहिए? स्थित प्रज्ञता बहुत दूर की बात है, स्थिरता बहुत दूर की बात है। पहले हम शुद्धि की बात करें। मन को स्थिर करना अलग बात है, मन को शुद्ध रखना अलग बात है। आज स्थिरता का प्रश्न नहीं है, आज प्रश्न सबसे ज्यादा मन की मलिनता का है। मैं रिपीट करूं, अस्थिर मन जीवन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मगर मलिन मन जीवन को डिस्टर्ब कर देगा। हमने कहीं इधर उधर से कुछ पढ़ लिया है, स्थित प्रज्ञ का लक्षण बहुत दूर की बात है। हमारी वो मानसिकता मैं नहीं मानता अभी है। मैं सीधा प्रश्न पूछ लूं, हमारा मन आपको लगता है कि शुद्ध है? अस्थिर मन तो बराबर है, मंदिर में गए, मंदिर में भी दूसरा विचार आता है, वो अस्थिर मन है, मगर घर में बैठे बैठे एक गंदगी का विचार आता है, वो हमें जब तक डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक एक प्रोसीजर हमारी पक्की कर लो, मन की अस्थिरता को दूर करने का प्रयास बाद में करेंगे, मन की मलिनता को दूर करने का प्रयास सबसे पहले करें, और वहां से हमारी धर्म की शुरुआत होगी। मन की अस्थिरता खुद को डिस्टर्ब करेगी, मन की मलिनता पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करेगी। दुर्योधन का मन मलिन था, महाभारत का सर्जन हो गया। इससे बेटर है सबसे पहले मन को अस्थिर नहीं, मन को शुद्ध करें। साहिब जी, प्रतीक्षा पटेल का सवाल है कि लाइफ में बैलेंस कैसे करें, स्पिरिचुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, इस पूरी लाइफ में ये सब में बैलेंस कैसे करें? जॉब पे फोकस करते हैं तो फैमिली डिस्टर्ब होती है, फैमिली पे फोकस करते हैं तो जॉब डिस्टर्ब होती है। एक बात है, जब भी ऐसा प्रसंग आ जाता है तब आपके सामने दो चीज आ जाती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज द अर्जेंट। जब आपको लगता है कि अर्जेंट है तब इम्पोर्टेंट को नंबर दो पे रखने की आपके पास ताकत, मानसिकता होनी चाहिए। एक्स फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब में जा रहे हो, आपका पैकेज 1,00,000 रुपए का है, मगर पिताजी, जिस पिताजी ने आपको यहां तक पहुंचाया, वो पिताजी को 105 डिग्री बुखार है और पिताजी खुद आपकी उपस्थिति चाहते हैं, तब 1,00,000 का जॉब आपके लिए वो मायने नहीं रखता है। पिताजी का स्वास्थ्य सबसे
पहले मायना रखता है। ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के बीच में बैलेंस। मैं आपको एक पूछना चाहूंगा, थोड़ा जोक्स लगेगा आपको। दो महीने के बाद आप पर फोन आया कि आपका करोड़ का पेमेंट देना है, आप ले जाओ। बहुत कुछ काम थे आपका, मंदिर जाना था, मेरे पास आपको आना था, प्रवचन सुनना था, सब कुछ था, मगर सबको आपने इम्पोर्टेंट के स्थान पर रख दिया और अर्जेंट के स्थान पर आपने 2 करोड़ का पेमेंट रख दिया। ओके, अभी मैं इतना पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ का पेमेंट लेने के लिए तुम निकलना चाहते थे और उसी टाइम आपको लेटरिन की शंका होगी, तो पेमेंट लेंगे पहले लेटरिन जाएंगे, तो क्या हो गया? 2 करोड़ का पेमेंट इतना टॉप था, फिर भी आप बोलेंगे पहले यार वहां जाना पड़ेगा फिर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ये तो नहीं मुझे पूछा ना कि गुरुदेव इसमें बैलेंस कैसे रखना चाहिए। आपके पास अक्ल है कि लेटरिन ही सबसे पहले जाना पड़ेगा, पेमेंट को मारो गोली, नहीं मिले तो भी चलेगा, या तो इज्जत का खतरा हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आपको लगे कि बैलेंस 2 के बीच में रखना है, आप खुद के मन से चेक करो व्हाट इज द अर्जेंट एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। मेरे मुनि जीवन की सबसे बड़ी ताकत ये विजन है। आज आपके सामने प्रवचन करना था, बहुत कुछ काम था मेरे पास, मगर जी प्रवचन को मैंने अर्जेंट का स्थान दे दिया, बाकी सबको इम्पोर्टेंट का दे दिया, तब आपके सामने प्रवचन मजे से कर सकता हूँ। आपके परिवार की बात मैं छोटी सी बात बताऊं, माँ है ना अपने बेटे को, अपने बेटे को बोल रही थी कि देख मैं जॉब पे जाती हूँ, ये कपड़ा तुझे आया पहना देंगी, बराबर स्कूल ड्रेस तैयार कर देंगी और सब कुछ। और वो माँ गाड़ी पे बैठने के लिए तैयार हो गई और लड़के ने माँ को सिर्फ इतना पूछा, मम्मी एक बात का जवाब देगी क्या? तो क्या है? क्योंकि तेरे पास साड़ी है, कपड़े में 25-50 हजार रुपए की साड़ी है कबाट में, वो तूने कभी नौकरानी को नहीं दे रखी, तेरे लॉकर में गहने भी है वो मैंने देखे, वो नौकर भी नौकर की नौकरानी को तूने कभी गहने भी नहीं दे दिए, माने साड़ी महत्वपूर्ण है तूने तेरे हाथ में रखी है, गहने महत्वपूर्ण है तूने तेरे हाथ में रखी है, और मैं तेरा बेटा हूं तूने मुझे आया को दे दिया, कपड़े तेरे पास, गहने की व्यवस्था तेरे पास, और मैं तेरा इकलौता बेटा, तूने ये बोला कि आया तुझे संभालेगी, होगा क्या होगा? बेटा इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंट है? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जो प्रश्न सोशल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, लाइफ 5 प्रकार की, पर्सनल, प्राइवेट, सोशल, फैमिली एंड स्पिरिचुअल, ये 5 लाइफ के बीच में यदि आपको बैलेंस रखना है तो एक ही काम करना, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको टॉप प्रायोरिटी पे, अर्जेंट टॉप प्रायोरिटी पे और इम्पोर्टेंट नंबर 2। सर गुरुदेव जी आपकी अनुमति हो तो हम प्रश्नों को आगे ले जाए। 5 मिनट। ओके, एक प्रश्न है धवल गड़िया जी का, वो पूछ रहे हैं कि अगर परिवार में परिवार के सदस्य से या हमारे कोई नजदीकी रिश्तेदार से कोई उसका उसने अगर हमारे साथ कोई बिहेवियर चेंज कर दिया है या कोई उसने फैमिली में डिस्प्यूट कर दिया है, तो उससे जो डिप्रेशन पैदा हुआ है उससे हम बाहर कैसे निकले? पहले तो ये सोचो पास्ट को बदलने की ताकत है क्या? इफ यू कांट चेंज एनीथिंग यू एक्सेप्ट इट। हर क्षेत्र में ये होता है, हर एक के जीवन में, परिवार में पास्ट को लेकर के किसी ने आपके साथ अन्याय भी किया होगा, मगर उसको मेमोरी में सेव करते करते, मैं तो मुनि हूं मगर आपको मालूम है मोबाइल में और मन में सेव जितना गलत ज्यादा होता है इतनी स्पीड कम हो जाती है। तो ये सब कुछ सेव करने के बाद निश्चित परिवार में से भी आपके साथ किसी ने अन्याय किया होगा, बदतमीजी की होगी, मगर उनको ही मेमोरी में रख करके प्रेजेंट को और फ्यूचर को नहीं देखेंगे तो आने वाले दिन और भी आपके डिस्टर्ब कर देंगे, इससे तो बेटर है अब इनको क्षमा कर दो, माफ कर दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं किसी से गलत हुआ है उसमें से कुछ बोधपाठ ले लो, मगर उसको मन में सेव करके उनके प्रति
दुश्मनी का भाव कभी भी मत रखो, तो ही आपके मन की शांति बनी रहे। गुरुदेव, और एक सवाल है, अंजलि अग्रवाल पूछ रही है कि हर बार हम ही लोगों को खुश करते हैं, ऐसा होता है कि हमें इनको खुश रखना चाहिए, इनको खुश रखना चाहिए फैमिली में, लेकिन कभी कभार हमें भी उम्मीद होती है कि सामने वाले जिसे हम खुश रखते हैं वो भी हमें खुश रखे, और वो जब नहीं होता तो क्या करना चाहिए? अभी एक बात बताऊं, सबको खुश रखना भगवान की आज्ञा नहीं है, मगर सबसे खुश रहना वो भगवान की आज्ञा है। अभी मैं भी आपको खुश नहीं रख सकता हूँ, क्या करूं? कहीं मेरे प्रवचन में भी आपको हंट होता है, गुरुदेव ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, अभी मैं भी तो क्या करूं, मैं भी आपको खुश नहीं रख सकता हूँ, पर आप भी तो मुझे खुश नहीं रख सकते, तो वो दुखी होने की बात नहीं है। जान बुझ करके किसी को नाखुश मत करना। पर एक बात बताऊं, आप एक काम कर सकते हो, जिसको भी आप बोलते हो ना आई लव यू, उनको ये मत पूछो यू लव मी और नॉट, ये कम से कम इतना कर दो। आपको लगता है मैं तुझे प्यार करता हूं तो बस इतना ही बोल दो आई लव यू, मगर तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम जिसको भी बोलते हो आई लव यू, सामने से तुम्हारा एक्सपेक्टेशन वो रहता है यू लव मी और नॉट, और यदि वो ना बोलता है तो तुम्हारा प्रेम एक मिनट में भाप होके खत्म। ये मत करो, खुश रहो, सबको खुश रखने का प्रयास मत करो, कोई भगवान भी सबको खुश नहीं देख पाते। और आपको मैं बताऊं, बारिश आई किसान खुश हो जाएंगे, और जिनका बिजनेस ठप हो जाएगा वो दुखी हो जाएगा, कहां किसको तुम खुश करेंगे? पीता है तो पीने वाला खुश रहता है, नहीं पीने वाला तो ये हमारी न हम खुश रख सकते, मगर पूरी दुनिया चाहे ऊपर से नीचे गिर जाए। आपको मालूम है ना, सबको खुश रखना, सबसे खुश रहना। लास्ट बात बताना चाहता हूँ, तीन नशे वाले थे ना रास्ते में जा रहे थे बम्बई में, तीनों ने पिया हुआ। अब एक पीने वाला दूसरे को बोलता है, मन होता है ताजमहल खरीद लो, अभी झोपड़पट्टी का ठिकाना नहीं था, और वो बोलता है ताजमहल खरीदने का इच्छा है। अभी उनको सुनने वाला भी नशा वाला था, उसने बोला तू खरीदने की कितनी भी इच्छा रखता है मगर मेरा बेचने का कोई इरादा नहीं। अभी वो भी खुश, ये भी खुश। अभी वो बोला कि यार, एक बोलता है ताजमहल खरीदू, दूसरा बोलता है मेरे बेचने का इरादा नहीं है, और तीसरा सुन रहा है, वो भी इनका मित्र था, और उसने उनको सीधा बोल दिया, यार तू खरीदने वाला हो वो बेचने वाला हो मगर मैं खाली करने वाला नहीं। अभी किसको तुम खुश कर पाएंगे? मजे में रहो। फिर से मेरी पेट करना चाहता हूं, भगवान महावीर भी सबको खुश नहीं रख सके है, भगवान महावीर सबसे खुश रहे, चाहे वो चंडक को सिख सर्प था, चाहे भगवान को हैरान करने वाले कोई भी मिले, मगर धर्म ये कहता है सबसे खुश रहो, और जानबूझ करके किसी को नाखुश मत। थैंक यू गुरुदेव जी, आज के ये प्रवचन और क्वेश्चन आंसर से जितने भी पार्टिसिपेंट सुन रहे थे सच में प्रोत्साहित तो हुए ही होंगे, बट जो क्वेश्चन थे उनसे प्रैक्टिकली आंसर भी उनको मिल गए। बाकी जो पार्टिसिपेंट थे हम उनसे सॉरी बोल रहे हैं, बिकॉज समय की अवधि की वजह से हम उनके क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं, तो आगे ऐसे कोई भी कार्यक्रम होंगे तब भी आप हमसे जुड़े रहें। अभी मैं अनुरोध करता हूं हमारे प्रेसिडेंट, जीवन ज्योत ट्रस्ट के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री भरत भाई शाह सर को। गुरुदेव जी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से पूरे सूरत में फूड एक्टिविटी में हाईएस्ट फूड किट ये भरत सर बना रहे हैं, और अभी तक उतने ही जोश उतनी ही प्रेरणा से ये काम चल रहा है। तो ऐसे हमारे छायड़ो ट्रस्ट के प्रेसिडेंट और हमारे ट्रस्ट जीवन ज्योत ट्रस्ट उनके प्रेसिडेंट श्री भरत भाई शाह को अनुरोध करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स रजू करें। सर्वप्रथम परम पूज्य आचार्य सरस्वती लब्ध प्रसाद श्रीमद विजय रत्न सुंदर सरस्वती महाराज सबको चरणों में वंदन। मित्रों, सब पार्टिसिपेंट्स को मैं यही कहूंगा कि विश्व के लाखों लोगों के हृदय और जीवन के जीवन में परिवर्तन करने वाले पूज्य गुरु भगवान की पावन निष्ठा प्राप्त होना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज आपने
हम सब पर आपकी पवित्र मंगलकारी ज्ञान की धारा बहाकर बड़ी कृपा की है। और आपने उदाहरण रूप से भी बहुत ऐसी चीज बताई है जिससे हमारा मन का समाधान भी बहुत अच्छा हुआ है। आज आपने इस वेबिनार का आयोजन करने की आपसे विनंती की और आपने सिर्फ एक ही दिन में इसकी अनुमति दे दी और इसे हम अपने अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं। आप जैसे विश्व चिंतक जैनाचार्य का मार्गदर्शन मिलना सबके लिए अति आनंद की बात है। और आज हमारे कॉलेज और हमारे सो भी पार्टिसिपेंट से उसके लिए भी आज एक बड़ी आनंद की बात यह है कि आपकी वाणी से आपके ज्ञान कई हमें जो लाभ मिला है और हमारा जो मन का समाधान हुआ है ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात हो गई है। आप आए और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए आपने जो भी ज्ञान की धारा बहाई उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको परम वंदना करते और आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूँ। आपका जैसा जो काम आपने बताया है मैं ये काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। खास करके आपने जो हेल्पिंग हैंड्स की बात की है मैं यही कार्य में जुड़ा हूँ। ये कोरोना वायरस की जो बीमारी आई है करोड़ों लोग ऐसे फंसे हुए हैं और हमारे सिटी में भी लाखों लोग जो श्रमिक थे उसको खाने की समस्या थी। तो हमने ये काम अभी भी जारी है 31st कल तक चालू है और बाद में अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तब भी हमें सभी को खाना खिलाना चालू रखेंगे। आज तक हमने करीब 50 लाख आदमी को खाना खिलाया है और इसी हिसाब से ये काम चलता रहता है। आप हमको आशीर्वाद दो कि मैं भी और मेरा मैं आपको ये बात कहता कि बहुत गर्व अनुभव करूंगा कि मेरे जीवन ज्योति ट्रस्ट के प्यून से लेकर हमारे ड्राइवर से लेकर सब हमारे प्रोफेसर्स हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर्स सब ने ऐसे मानवता के कार्य में ये सहयोग दिया और हमारे जो NSS के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये कार्य में जुड़े हैं। तो ऐसी जो भावनात्मकता हम जो दूसरे के लिए सोचना और दूसरों को का निराकरण करने के लिए हमारे से जितने भी प्रयत्न हो सके हम कर रहे हैं। और आपके पुस्तक बहुत पढ़े हैं मम्मी तुम्हें लाख लाख सलाम। इस पुस्तक में से मैंने भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था और ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपके जब भी पुस्तक हम पढ़ते हैं और इसी वजह से आज हमारी कॉलेज में हम जब भी कोई भी इवेंट करते हैं तो हम किसी को पुष्प गुत्थ नहीं देते हैं लेकिन आपका पुस्तक देते हैं ताकि वो पढ़े और आपकी विचारधारा उसके ऊपर पढ़े और उसका जीवन में परिवर्तन आ सके। मैं फिर से गुरुदेव आपको वंदन करके आपका आभार व्यक्त करके आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। इस माहौल के बीच में अपनी चिंते किए बिना ऐसे लोगों को शांता और समाधि देने का प्रयास सचमुच हृदय को जंगृत कर देता है। जहां पूरी गवर्नमेंट बोलती है पूरी दुनिया बोलती है घर में रहो घर में रहो घर में रहो दुनिया पूरी घर में रहती है और उस टाइम घर से बाहर निकल करके ऐसी सेवा करना वो निश्चित तौर से हृदय का भाव न हो नेक्स्ट टू इम्पोसिबल। आप सबने इतना बड़ा कार्य किया और आगे भी यही कार्य करने की आप सोच रहे हो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको कार्य करने की ताकत इससे तो बेटर है ये ऐसा कार्य करने का दिन ही बंद हो जाए कोरोना ही खत्म हो जाए किसी को हाथ फिराने का मन ही न हो और सब स्वस्थ मस्त और प्रसन्न हो जाए भगवान से प्रार्थना यही करेंगे। मगर जब तक हमारी प्रार्थना थोड़ी कम पड़ती है कमजोर पड़ती है और यदि यही कसौटी हमारी भगवान लेना चाहते इस कसौटी में हम पास हो जाए और आप जैसे हजारों कार्यकर्ता हाथ खुले करके जो आंखों के आंसू पोंछ रहे वो उनके हिसाब से मेरी ओर से हम सब संतों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। सर्व मंगल मंगलम
सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मणम जैनम जयति। आभार गुरुदेव। ये सभी कार्य, ये पूरा कार्य कभी संभव हो, मैं एक और व्यक्ति को याद करना चाहूंगा, अथवा लाइन से श्री रोहित भाई, जिनके द्वारा मैंने आपको लेटर पहुंचाया था। तो ये रोहित भाई का भी यहाँ पर मैं आभार मानता हूँ कि उनकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम हमारा शक्य हो पाया है। पूरे कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हैं पार्टिसिपेंट, अभी और हम ऐसे वेबिनार आपके और आपके पास ले आ रहे हैं, तो सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि इतना ही प्रेम हमारी संस्था की ओर बनाए रखिए, पार्टिसिपेशन करिए। हम ऐसे ही विचार के साथ अलग अलग वेबिनार आपके पास लेके आएंगे। पुनः ट्रस्ट परिवार, कॉलेज परिवार, जितने भी स्टाफ परिवार है, टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, सभी का यहाँ पर मैं आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच।